हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में। यूपी ट्रिपल एस सी ऑल एग्जाम्स के लिए टेस्ट नंबर 5 करेंगे हम लोग यहाँ पर। हमेशा की तरह अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख करके बताएंगे कि 150 में से आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही हो रहे हैं, जिससे हमको भी लगे कि आप इस सीरीज से वाकई फ़ायदा ले रहे हैं। वैसे तो ये यूट्यूब में पूरी सीरीज डाली जाएगी, लेकिन अगर आप केवल सॉफ्ट कॉपीज से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी टेस्ट सीरीज ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फी पर है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स गिवन है, चाहे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमेशा की तरह पहले जीएस का सेक्शन देखेंगे, फिर हिंदी का सेक्शन देखेंगे, फिर साइंस का, फिर रीजनिंग का, फिर एप्टीट्यूड और अरिथ का। पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस अभिलेख से आर्यों के ईरान से भारत आने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये बोगास कोई इंस्क्रिप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ये कई बार आ चुका क्वेश्चन है एग्जाम में, बोगास कोई इंस्क्रिप्शन, इसको ध्यान रखिएगा। इंस्क्रिप्शंस के बारे में बहुत बार हमसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस इंस्क्रिप्शन से हमको क्या पता चलता है। जैसे जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ अभिलेख जिसको गिरनार का अभिलेख भी कहते हैं, इसमें आपको शक क्षत्रप रूलर जो है रुद्र दामन फर्स्ट, उसके बारे में जानकारी मिलती है। सुदर्शन लेक का रिपेयर भी इसने करवाया था रुद्र दामन ने, इसकी जानकारी भी यहाँ पर मिलती है। उदयगिरी किससे रिलेटेड है, भीतरी किससे रिलेटेड, ये हम प्रीवियस टेस्ट में, ठीक है, टेस्ट नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा साहित्य जैन साहित्य है। तो जैन साहित्य यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, भगवती सूत्र यहाँ पर जैन साहित्य है। बाकी आप जानते हैं वेदांग तो वेदों से रिलेटेड हो गया, दीप वंश और महावंश बौद्ध साहित्य, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, जैन लिटरेचर इसमें भगवती सूत्र है। अगला क्वेश्चन है कि आपको किस स्थल से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कृषि के भी और पशुपालन के भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर ए। ये आ चुका है बीपीएससी में पिछली बार और कई एग्जाम में आ जाता है, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ कहाँ से क्या चीज़ मिली है ये पूछा जाता है। मेहरगढ़ से ना सिर्फ एग्रीकल्चरल एविडेंस बल्कि पशुपालन के भी एविडेंस सबसे पहले मिले हैं, या फिर हम कह सकते हैं सबसे पुराने वाले मिले हैं। अगला क्वेश्चन है झेलम नदी का ऋग्वैदिक काल में क्या नाम था। तो नदियों का नाम जो है वहां पर क्या क्या होता था, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो लिस्टिंग अगर आपके पास है तो आप देख लीजिएगा। झेलम को वितस्ता बोलते थे, ऑप्शन नंबर बी। कुभा को क्या बोलते थे, कुभा जो है ये प्रेजेंट का काबुल है इस समय, और अस्किनी जो है आपकी, अस्किनी है इस समय चेनाब रिवर जो चेनाब के नाम से जानी जाती है, पुरुषणी जो है ये रावी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो चार बौद्ध काउंसिल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले टेस्ट से आपको बता रहे हैं, चारों याद कर लीजिएगा। अशोक के समय जो तृतीय बौद्ध काउंसिल हुई थी, हमने बताया था एक एक करके याद कर लीजिए, यानी कि सबसे पहली अजात शत्रु के टाइम पे, दूसरी काला अशोक के टाइम पे, तीसरी फिर अशोक के टाइम पे, और चौथी फिर कनिष्क के टाइम पर कुंडलग्राम कश्मीर में। हमको बताना है कि तीसरी कहाँ पर हुई थी, तीसरी हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में अशोक राम विहार नाम की जगह पर हुई थी, और यहाँ पर इसको एडमिनिस्टर किसने किया था, मोगलीपुत्र तिस ने इसको एडमिनिस्टर किया था। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर सानी की उपाधि किसने ग्रहण की थी। सिकंदर सानी कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन। अलाउद्दीन सल्तनत काल में अपने चेहरा और दाग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। पहला ऐसा किंग माना जाता है सल्तनत काल में जिसने मार्केट रिफॉर्म्स पर काम किया था, उसने चीज़ों के दाम फिक्स किए थे, ठीक है, उसने होर्डिंग पर यानी मुनाफाखोरी पर रोक लगाने का काम किया था। हमको बताना है इनमें से कौन सा युद्ध बाबर के द्वारा नहीं लड़ा गया है। चंदेरी का युद्ध यहाँ पर बाबर ने लड़ा है, खांडवा का भी लड़ा है यहाँ पर, घाघर या घग्गर का भी लड़ा है, लेकिन चौसा का नहीं लड़ा है। चौसा का इसके पुत्र हुमायूं ने लड़ा था, ठीक है, चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले प्रिंटिंग की शुरुआत किसने की थी। भारत में प्रिंटिंग की शुरुआत और तंबाकू की खेती करने का श्रेय जाता है दोनों ही पुर्तगालियों को, यानी पोर्टुगीज को, ऑप्शन नंबर बी पोर्टुगीज। अगला क्वेश्चन है कि हु इज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, यानी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहे जाते हैं चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मेटकॉफ। अगला क्वेश्चन है कि कूका मूवमेंट को किसने लेड किया था, नेतृत्व किसने किया था। ये किया था आपके भगत जवाहर मल ने, ऑप्शन नंबर डी। जो आपके स्पेक्ट्रम की बुक में या फिर कहीं भी आपके पास अगर लिस्टिंग है ये जो आपके आदिवासी आंदोलन हुए थे उनके बारे में, तो जरूर देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आपका जतरा भगत दिया हुआ है, तो ये किस मूवमेंट से एसोसिएटेड है, ठीक है, ये मतलब किस आंदोलन से, ताना भगत मूवमेंट से, और ये सिद्धू कानू दिए हुए हैं, ये संथाल विद्रोह से संबंधित थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है।
तो यंग बंगाल मूवमेंट शुरू की थी हेनरी विवियन डिरोजियो ने, हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर हेनरी विवियन डिरोजियो ने, और इनके फॉलोअर्स को डिरोजियंस कहा जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस सेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी की डिमांड रखी थी? स्वदेशी की डिमांड जो है सबसे पहले 1905 में आई थी, जब आपका जो है बंगाल का पार्टीशन हो रहा था लॉर्ड कर्जन के रेन में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, कलकत्ता में अधिवेशन में कहा गया था कि हम स्वदेशी लॉन्च करेंगे। सूर्य के वायुमंडल के बाह्यतम भाग को क्या कहते हैं? सूर्य का आपका बाह्यतम भाग होता है आपका कोरोना। कोरोना जो है केवल सोलर एक्लिप्स के टाइम पर विजिबल होता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण के दौरान आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है आपका बसाल्ट, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आपका जो है ए बी सी में ये सारे के सारे सेडिमेंटरी रॉक्स के उदाहरण है, ठीक है, अवसादी चट्टान या सेडिमेंटरी रॉक्स के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इन द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट हुज क्वांटिटी इज द हाइएस्ट? तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन नहीं की बहन है, उसके बाद सबसे ज्यादा क्या होता है? सिलिकॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा, सिलिकॉन। क्रस्ट की अगर हम बात कर ले तो सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीजन होगा, फिर आपका सिलिकॉन होगा SI, फिर आपका एल्यूमिनियम होगा AL, और फिर होगा आपका आयरन। तो ये ध्यान रख सकते हैं ऑर्डर। सेंट हेलेना ज्वालामुखी पर्वत आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा अमेरिका में, US में, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा मैदान हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू द्वारा जो है तैयार किया जाता है? ये कौन सा आपका मैदान बनता है? ये है लोस मैदान, लोएस प्लेन बनती है। एलुवियल प्लेन कैसे बनती है? फ्लड से बनती है, ठीक है। कास्ट प्लेन किससे बनती है? लाइमस्टोन और डोलोमाइट के डिजोल्यूशन के कारण। और आपकी ग्लेशियल प्लेन कैसे बनती है? स्नो के डिपोजिशन के कारण। अगला हमारा क्वेश्चन है नीचे कि निम्न में से कौन सा भ्रंश घाटी झील का उदाहरण है? तो भ्रंश घाटी झील का उदाहरण है लेक बैकाल, ऑप्शन नंबर बी। लेक बैकाल जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड है, ठीक है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील या फिर दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सी। यही दोनों जो है झील में ध्यान रख सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, अगर ज़्यादा आपको नहीं भी याद रहता है तो। कैस्पियन सी यहाँ पर सबसे बड़ी झील, प्लस खारे पानी की सबसे बड़ी झील, लेक बैकाल फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील। अगला क्वेश्चन है कि कारकोरम रेगिस्तान आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कारकोरम डेजर्ट जो है ये करीब 70% हिस्सा कवर करता है तुर्कमेनिस्तान का, ऑप्शन नंबर बी, तुर्कमेनिस्तान। टू हुम डज द डेविस स्ट्रेट कनेक्ट? डेविस स्ट्रेट किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है आपकी बेफिन खाड़ी को और अटलांटिक महासागर को, बेफिन बे एंड अटलांटिक ओशियन। हमको बताना है कि 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो 17वीं समानांतर रेखा 17th parallel line ये नॉर्थ और साउथ वियतनाम को डिवाइड करती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि US कनाडा किसके द्वारा डिवाइड किए जाते हैं, ये तो पता ही होगा आपको सबको, ठीक है, 38° parallel line, तो ये आप बता सकते हैं हमको US और कनाडा जो है ये किससे सेपरेट किए जाते हैं। आपका ये धर्मा या धर्मा घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? धर्मा घाटी आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जोहर घाटी भी देखने को मिलती है, ठीक है, जोहर और टोन्स, तो ये भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपका कुमाऊं हिमालय जो है ये किन दो नदियों के बीच जो है स्थित है? कुमाऊं हिमालय पाए जाते हैं आपके आपके पाए जाते हैं सतलज से लेकर के काली रिवर तक, करीब 200 माइल कवर करता है ये कुमाऊं हिमालय का सिस्टम, यानी करीब 320 किलोमीटर सतलज से शुरू होकर के रिवर काली तक। जलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। हुसैन सागर लेक जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो अगर यहाँ पर तेलंगाना ऑप्शन होता तो हम उसको टिक करते हैं, लेकिन पुराने ऑप्शन के हिसाब से आंध्र प्रदेश दे रखा है, तो चलिए इसी को टिक कर देते हैं। वैसे ये है आपका तेलंगाना में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अभी सही है। संविधान बनाते समय, संविधान का निर्माण करते समय कौन सा आदर्श संविधान में शामिल नहीं किया गया था? ठीक है, तो आपका ये स्वतंत्रता शामिल था बिल्कुल, समता भी और न्याय भी, समाजवादी नहीं आया था तब, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी अमेंडमेंट के बाद ऐड की गई हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये नहीं था संविधान निर्माण के समय। नागरिक समता का आशय क्या है? ठीक है, वॉट इज मीन बाय सिविल इक्वेलिटी? तो इसका मतलब है यहाँ पर इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन नंबर ए, कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाय यूजिंग अ कमांड बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट वन में बी ऑब्लाइज टू डू एनी वर्क नॉट डन बाय द अथॉरिटी,
यानी कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा ना किए जा रहे कोई काम को कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपकी रिट लगेगी, यानी कि जो रिट आपकी कोर्ट जारी करेगी, वो होगी परमादेश यानी कि मेंडमस। ठीक है, मेंडमस का मतलब होता है वी कमांड। सर्टियोरी जो है ये किससे रिलेटेड है, ये आपकी जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। लोअर कोर्ट ने अगर कोई भी मतलब ऐसा आपका फैसला दिया है जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं सही है, तो सर्टियोरी हायर कोर्ट जारी कर सकता है। क्वो वारंटो किसके लिए है, कि अगर कोई अथॉरिटी जो है कि कोई ऑफिस होल्ड करे हुए है पब्लिक का, तो उससे पूछा जा सकता है कि किस अधिकार से वो ऑफिस होल्ड करे हुए हैं। बाकी आप जानते हैं हैबियस कॉर्पस किसके लिए है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए है। किसी का अरेस्ट किया जा चुका है अनऑथराइज्ड, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण गलत है। तो इंडियन फेडरल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, बस उन्हीं को आप छांट लीजिए। जैसे यहाँ पर आपका जो है सेंट्रल स्टेट में पावर्स का डिवीजन है, सही है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी सही है। जुडिशरी हमारी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये भी सही है। लेकिन हमारी जुडिशरी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है सारे स्टेट्स को राज्यसभा में, ये हमारा फीचर नहीं है फेडरल सिस्टम का, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक जो आर्थिक न्याय जो दिया गया, इकोनॉमिक जस्टिस, इसका उपबंध कहाँ पर किया गया है। तो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात एक जगह प्रियम्बल में की गई है और एक जगह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना में आपकी ये दी हुई है इकोनॉमिक जस्टिस। अगला है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज जो है, ये हट कब जाते हैं। जब फंडामेंटल राइट्स हट जाते हैं तो ये भी हट जाते हैं, यानी कि इमरजेंसी के समय। ठीक है, ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान ये आपके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हट जाता है। मुद्रा संकुचन का क्या कारण हो सकता है, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, रिडक्शन इन सप्लाई ऑफ मनी एज कम्पेयर टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे इस समय स्थिति चल रही है तो बिल्कुल विपरीत चल रही है। ठीक है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑप्शन नंबर सी। इस समय कौन होल्ड किए हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बता सकते हैं आप कमेंट में लिख करके हमको। विनिवेश का क्या मतलब है, व्हाट इज मीन्ट बाय डिस इन्वेस्टमेंट। तो डिस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, सरकार जो है शेयर निजी कंपनियों को बेचने लगती है। ठीक है, सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन पर आ जाती है, सेलिंग गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज ऑप्शन नंबर बी। अब पूछा है कि एसडीआर का क्या मतलब है, तो एसडीआर का मतलब है यहाँ पर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ठीक है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो है ये जारी कौन करता है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक किसको जारी करता है, एडीबी ऑप्शन नंबर बी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग चाइना में, उससे कंफ्यूज इसको नहीं करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह ये कहाँ पर है, ये आपका है अमेरिका में ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है, ये आपका है कोयम्बटूर में ऑप्शन नंबर डी। अगर हम शुगर केन प्रोडक्शन पर आ ही गए हैं तो शुगर केन के बारे में बात कर लेते हैं। टॉप पर उत्तर प्रदेश है, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त 2019 तक के डेटा के अनुसार यूपी जो है टॉप पर शुगर केन के प्रोडक्शन में, प्लस शुगर के प्रोडक्शन में, फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। ठीक है, यूपी टोटल फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में नंबर वन पर है, आपके अमरूद के प्रोडक्शन में नंबर वन पर है, आपका शुगर केन के प्रोडक्शन में नंबर वन पर है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना का विषय क्या था, थीम क्या थी 2011 सेंसस की, तो थीम थी आर सेंसस आर फ्यूचर। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में। अब हमने जो है 2011 के सेंसस की तुलना में 2011 मतलब 2001 के सेंसस की तुलना में 2011 के सेंसस में लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है, तो 10 अंकों की वृद्धि हुई है। 943 यहाँ पर था आपका 2011 में और 933 था 2001 में, तो ये है यहाँ पर फिगर। अगला है 2011 के सेंसस के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला आपका राज्य कौन सा है। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो सकता है मान लो एग्जाम में आ गया तो, लेकिन हमारे डेवलपर ने डाल दिया तो चलो इसको सी मान लेते हैं। दादर नगर हवेली जो कि एक यूटी है, इसका यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखा गया था ऑप्शन नंबर सी। और उत्तर प्रदेश का कितना ग्रोथ देखा गया था याद कर लीजिए, 20.2। अगर पूछ ले कि डिकेडल ग्रोथ कितनी थी उत्तर प्रदेश की, तो 20.2 ये आ सकती है डायरेक्टली फिगर।
वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसको जारी करता है, IMF, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि कुर्ग अरेबिका कॉफी, जिसको अभी GI टैग मिला था, ये कहाँ पर आपको मिल सकती है? तो जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक, वहीं पर ही मिलेगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। कुर्ग अरेबिका कॉफी कहाँ की है? कर्नाटक की। कर्नाटक जो है कॉफी के प्रोडक्शन में नंबर वन पर है। कर्नाटक जो है ये हरी मिर्च के प्रोडक्शन में नंबर वन पर है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी की नहीं। ठीक है, प्रोडक्शन में हरी मिर्च में कर्नाटक नंबर वन पर है। केरल जो है ये टोटल प्लांटेशन क्रॉप्स में नंबर वन पर है, ये ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु जो है ये फ्लावर्स यानी कि फूलों के प्रोडक्शन में नंबर वन पर है, ये ध्यान रख सकते हैं। गोलान हाइट्स कहाँ पर है? ठीक है, गोलान हाइट्स न्यूज़ में थी। गोलान हाइट्स आपकी आपके पड़ती है सीरिया में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, सीरिया में पड़ेगी। ये बेसिकली एक रॉकी प्लेट्यू रीजन है, दक्षिण पश्चिमी सीरिया में पड़ता है। सीरिया की कैपिटल होती है डमस्कस। ठीक है, डमस्कस। जॉर्डन की कैपिटल होती है अम्मान। इजराइल की कैपिटल यरूशलम वो लोग मानते हैं, कुछ लोग तेल अवीव मानते हैं, ध्यान रख सकते हैं। और टर्की की कैपिटल क्या होगी? टर्की की कैपिटल होती है अंकारा। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश वर्तमान में आर्थिक संकट का सामना कर रहा है? तो ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में रहती है। वेनेजुएला यहाँ पर काफ़ी प्रयास कर रहा है आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए। कभी वो नई करेंसी जारी कर देते हैं, कभी वो जो है बिटकॉइन जारी कर देते हैं। वेनेजुएला, वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? काराकस है। ठीक है, काराकस। अगला क्वेश्चन है कि शारदा पीठ कॉरिडोर जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके POK में है। ठीक है, POK रीजन में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ हाल ही में क्रूज सेवा शुरू की है? तो क्रूज सेवा हमने बांग्लादेश के साथ शुरू की है, ऑप्शन नंबर टी। बांग्लादेश के साथ हम लोग एक युद्ध अभ्यास करते हैं संप्रीति के नाम से। नेपाल के साथ हम लोग युद्ध अभ्यास करते हैं सूर्य किरण के नाम से। ठीक है, ये होती है आपकी हर साल में 2 बार। भूटान के साथ हम कोई युद्ध अभ्यास नहीं करते, पाकिस्तान के साथ हम डायरेक्ट युद्ध करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत एंटी सैटेलाइट परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा पहला देश बन गया है? UP SSSC लोअर का जो री एग्जाम हुआ था, इसमें क्वेश्चन आया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, चौथा बन गया है। पहले US कर चुका है, रशिया कर चुका है, चाइना कर चुका है। ठीक है, ये अप्रैल की न्यूज़ है, 1 अप्रैल की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश की चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए अपना एक जहाज INS मगर भेजा था? INS मगर हमने भेजा था मोजाम्बिक में, ऑप्शन नंबर बी मोजाम्बिक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो जारी एक सूचकांक होता है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बोलते हैं, इसमें भारत की रैंक क्या रही है? भारत की रैंक रही है आपकी बार 76। 2018 में थी भारत की रैंक 78वीं, तो ये याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 76। सामान्य हिंदी सेक्शन पर आ जाते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ तालव्य कौन है? ठीक है, कंठ तालव्य है आपका ए है यहाँ पर। ए और ए आपका कंठ तालव्य होता है, आपको पता है। हा जो है ये काकल्य होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। छा जो है ये छा वर्ग में आता है, यानी कि ये तालव्य है। ठीक है, मुझे सब याद रहते हैं बिना कोई मतलब ऐसे रिवीजन करे हुए, एक बार बस ध्यान से पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है, किस में क्या चीज़ आती है? हिंदी शब्दकोश में क्षा जो है ये किस वर्ड के बाद आएगा? देखो, शब्दकोश में नियम होते हैं कि जब भी ये आपके आते हैं ना, ये संयुक्त व्यंजन वाले, जैसे क्षा है, जैसे आपका ज्ञा आएगा, जैसे आपका त्रा आएगा, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें आएंगी ये हमेशा उसके बाद आएंगी जिस पहले व्यंजन से बनी है। जैसे आपका क्षा जो है, ये सही से बना लेते हैं इसको, जैसे क्षा है ये किससे बना है? ये बना है का से और शा से। तो ये किसके बाद आएगा शब्दकोश में? ऑब्वियसली खा के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आई होप आप समझ चुके होंगे। इसका कहने का मतलब यही है कि अगर संयुक्त व्यंजन आएगा तो वो उसी वर्ण के बाद आएगा जिससे ये बना हुआ है शब्दकोश में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि यहाँ पर महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण आपका जा नहीं है, ये अल्प प्राण है। बाकी घा महाप्राण है, खा महाप्राण है और झा महाप्राण है। हमको यहाँ पर बताना है कि एतन मुरारी में कौन सी संधि है? ठीक है, तो इसमें आपकी व्यंजन संधि काम कर रही है, एतद और मुरारी से बन करके बनी है, एतन मुरारी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन शब्दों में आपकी स्वर संधि लग रही है? ठीक है, तो आप इसमें देखें, अगर तपोगुण में इसमें विसर्ग संधि काम कर रही है, ये सज्जन जो है ये सत और जन से मिलकर के बना है, तो इसमें आपकी काम कर रही है व्यंजन संधि। अतएव में भी नहीं है आपकी, आपकी स्वर संधि रामायण में है, क्योंकि राम और अयन, ठीक है, इससे मिलकर के आपकी बन रही है,
दीर्घ संधि इसमें काम कर रही है। तो दीर्घ संधि किस में आती है? स्वर संधि में आती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा दशानन, ठीक है, दशानन, क्योंकि ये तीसरे पदार्थ की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि रावण। और नवरात्र जो है, त्रिभुज जो है, त्रिलोक जो है, ये सारे द्विगु समास के उदाहरण है। अव्ययीभाव भाव समास का चयन करना है, ठीक है, अव्ययीभाव भाव समास यहाँ पर हो जाएगा आजीवन, ऑप्शन नंबर बी। पीताम्बर हो जाएगा कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। घुड़सवार हो जाएगा तत्पुरुष समास। पाप और पुण्य कौन सा समास होगा, ये आप हमको कमेंट में लिख करके बताइए। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है उल्टा। जैसे अगर यहाँ पर अधीन लिख दें, अगर हम स्वाधीन लिख दें, ठीक है, और इसका हमको अगर बनाना है विलोम, तो हम लिखेंगे पराधीन, ठीक है, पराधीन, तो ये उल्टा हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है? अहेर शब्द का तत्सम रूप है आखेट, मतलब शिकार, ऑप्शन नंबर डी आखेट। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? ठीक है, तो अमीय जो है ये आपका तद्भव शब्द है, अमृत जो होता है ये आपका तत्सम होता है, री की मात्रा जिसमें लग रही है। ये उलूक है, उल्लू होता है इसका तद्भव, ठीक है, उल्लू, और कुपुत्र है तो इसका कपूत होता है तद्भव, और इष्टिका है इसका तद्भव हो जाएगा ईंट। अगला क्वेश्चन है कि छायादार किस तरीके का शब्द है? तो इसमें दो भाषाएं काम कर रही हैं, छाया हिंदी और दार फारसी से, तो ये है आपका संकर शब्द, ऑप्शन नंबर डी। कोई आ रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई निश्चित नहीं है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई कोई किसी ये सब हो जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। राम ने खाना खाया होगा, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें आपकी लग रही है संदिग्ध भूत, ऑप्शन नंबर बी, संदिग्ध भूत। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित करना है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताना है। हमें बड़ों से आदर पूर्वक बात करनी चाहिए, यहाँ पर आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पानी कल से बरस रहा है, यहाँ पर आपका जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। रात को कम खाना चाहिए, यहाँ पर है आपका, हमको आंसर मिल गया यहाँ पर, यहाँ पर आपका काम कर रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो 14 का आंसर है सी। पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पाहन है, उपल है, पाषाण भी है, उरग नहीं है। उरग किसका पर्यायवाची होता है? सांप का या सर्प का। उरग का मतलब होता है छाती के बल चलने वाला, छाती के बल कौन चलता है? सांप। इनमें से कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो देवता को त्रिदश कहते हैं, निर्जर कहते हैं, जो कभी बूढ़ा नहीं होता वो देवता है, गीवाण कहते हैं, ठीक है, लेकिन किंकर नहीं कहते हैं, क्योंकि किंकर का तो मतलब होता है आपका सेवक या नौकर, तो देवता को नौकर कैसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, यानी कि ये देवता का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? तो खग का मृग यहाँ पर सही है, प्रसारण का संकुचन सही है, घात का प्रतिघात भी सही है, लेकिन शाश्वत का सदैव नहीं है। शाश्वत का हो जाएगा आपका क्षणिक, ठीक है, ये होना चाहिए क्षणिक। शाश्वत यानी कि सदा रहने वाला, क्षणिक यानी कि क्षणभंगुर, क्षण में नष्ट होने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, वो होता है अच्युत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, वो होता है आशु कवि, ऑप्शन नंबर डी। समूह अर्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूह अर्थक मतलब यहाँ पर हो जाएगा भीड़, ठीक है, बाकी स्त्री पुरुष और मनुष्य हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। अगला है कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। महात्म्य को यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए, बताना है कि क्या ये सही है, अगर नहीं तो इसको शुद्ध करके लिखिए। तो महात्म्य का हो जाएगा आपका शुद्ध रूप ये वाला, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, महात्म्य, यानी कि यहाँ पर ता भी आधा होगा और माँ भी आधा होगा, फिर या लगेगा, और फिर यहाँ पर माँ होगा, फिर हा होगा, ये होगा सही स्पेलिंग इसकी। ये काव्यांश है, हो सकता है आपने इसको सॉल्व किया हो, ये प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। ओ समय पर कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, धरती कितना देती है, धरती कितना देती है, कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, नाम समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभवश मैंने पैसे बोकर, पैसे हो गए यहाँ पर, पैसे बोकर रत्न प्रस्वनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ इससे सच्ची समता के दाने बोने हैं, और इससे जन की क्षमता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं।
ठीक है, इसमें हमको सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देना है, धरती कितना देती है, इसका आशय क्या है। तो इस काव्यांश का मतलब है कि धरती बहुत अधिक देती है, ऑप्शन नंबर सी। कवि किसका महत्व नहीं समझ पाया था, कवि नहीं समझ पाया था धरती माँ का महत्व, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कहता है कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बहोए थे, तो कवि ने स्वार्थ और लोभ के भाव से पैसे बहोए थे, ऑप्शन नंबर सी। मानवता की सुनहली फसलें कब उगेंगी हमको बताना है, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि सच्ची क्षमता के दाने बोने हैं और जन की क्षमता के दाने बोने हैं, तो जब समता और क्षमता के बीज बोए जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये तो सभी ने कर लिया होगा, बाकी हमने बता ही दिया है। अब आ जाते हैं साइंस के सेक्शन पर। जनरल साइंस से हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि वो होती है जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव की जाती हैं, तो फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके डिराइव की जाती है वॉल्यूम, यानी कि आयतन, ऑप्शन नंबर डी। माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी हमको बताना है, तो यहाँ पर आंसर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। माइक्रोस्कोप की खोज की थी जकारियास जेंसन ने, ठीक है, जकारियास जेंसन यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। माइक्रोस्कोप किसने खोजा, जकारियास जेंसन ने, ध्यान रखिएगा। अगला है कि पानी के जहाजों में सटीक समय ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो शिप्स में एग्जैक्ट टाइम फाइंड करने के लिए क्रोनोमीटर का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्रोनोमीटर। अगला है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मल मेट्रोलॉजी कहाँ पर है, तो ये है आपका पुणे में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित करना है, यहाँ पर एक तरफ यूनिट्स दी हुई हैं दूसरी तरफ उनको मिलाना है, तो एक्सेलरेशन को मिलाएंगे यहाँ पर मीटर सेकेंड रेज टू द पावर -2 से, यहाँ पर सेकेंड होगा, ठीक है। अगला होगा फोर्स, फोर्स का तो न्यूटन होता है आपको पता है, और आपका वर्क डन, जैसे क्रिएटेड वर्क नहीं है यहाँ पर वर्क डन होगा, तो वर्क डन का होता है आपका, वर्क डन का होगा जूल, क्योंकि वर्क डन ही होता है एनर्जी, तो जूल हो जाएगा। और फिर आखिरी जो आपका बच रहा है आवेग, ये हो जाएगा आपका न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन नंबर टू। तो इस तरीके से इसको मैच करेंगे यूनिट्स को मेजरमेंट से, मतलब यूनिट को आप यहाँ पर मैच करेंगे भौतिक राशियों यानी फिजिकल क्वांटिटीज से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी वस्तु रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मोमबत्ती सही होगा, मोमबत्ती जो जलती है यानी केमिकल जो है बर्न किया जाता है, ठीक है, तो फिर वो लाइट एनर्जी देती है। विद्युत सेल क्या करता है, विद्युत सेल करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सॉरी ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगला हमारा एक न्यूमेरिकल है छोटा सा कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन अ मूविंग बॉडी कंटिन्यूड टू मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन अंटिल इट ट्रेवल 10 मीटर, हाउ मच द काइनेटिक एनर्जी इज रिलीज बाय द बॉडी। गतिमान पिंड 5 न्यूटन के बल गति की दिशा में उसके 10 मीटर दूरी तय करने तक लगता है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा वर्क डन। तो वर्क डन यहाँ पर कैसे निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिया है 10 मीटर, तो कुल मिलाकर के हमारी एनर्जी कितनी जनरेट होगी, 50 जूल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, 50 जूल्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब कोई जहाज जो है नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है, व्हेन अ शिप इंटर्स द ओशन फ्रॉम द रिवर इट राइजेज अप। और इसका कारण दिया हुआ है कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा, क्या ए सही है, क्या आर सही है, क्या ये आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन है, या फिर ए ट्रू है आर फॉल्स है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि दोनों ही सही हैं, यहाँ पर बोथ ए एंड आर करेक्ट, और आर जो है ये ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सागर के जल के घनत्व में नदी के जल के घनत्व में अंतर होने के कारण जहाज जो है जब नदी से सागर में जाता है तो हल्का सा उठ जाता है ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ऑफ कोर्स ये केमिकल चेंज है, चांदी जो है ये हवा में रिएक्ट कर जाती है मॉइस्चर वगैरह से तो काली पड़ जाती है, ऑक्साइड्स बन जाते हैं सिल्वर के। अगर लोहे में जंग लगना है, रस्टिंग ऑफ आयरन होना है, तो कौन दो चीज़ों की जरूरत होगी, तो हमेशा ही आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है और मॉइस्चर की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए करेंगे, यहाँ पर टार्टरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीला थोथा जिसको हम जानते हैं ब्लू स्टोन के नाम से, ये बेसिकली क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, तो नीला थोथा है आपका कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा क्वेश्चन कि विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है,
तो इन चारों में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है आपकी पोटेशियम, क्योंकि ये हवा में ही रिएक्ट कर जाता है हल्के से मॉइस्चर से। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द मोस्ट फाउंड एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ध्यान रखिए ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है, इसको नहीं फ्री स्टेट पे हम देख सकते हैं। सोडियम को जल से, सोडियम में जल डालने से कौन सी गैस निकलती है, तो उसमें आपकी सोडियम की हाइड्रोक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन निकलेगा, तभी तो धमाका होता है फिर। अगला क्वेश्चन है कि पीली मोजाइक रोग किसको होता है, ब्लू आपकी येलो मोजाइक होती है हमेशा भिंडी को, ठीक है, येलो मोजाइक कभी कभी पूछ लेते हैं किसके कारण होती है, तो वायरस के कारण होती है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शीतल पेय जैसे कोका कोला है, इसमें क्या मिलेगा, तो इसमें कैफीन की मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर ए, कैफीन। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, ठीक है, राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, मेन फंक्शन वही है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है ये दोनों में ही पाए जाते हैं, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में भी। हिस्टामिन सिक्रीट कौन करता है, ठीक है, हिस्टामिन वैसे तो पाया जाएगा हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी में हर जगह, स्किन के नीचे, कैपिलरी के पास, ठीक है, स्किन में भी, लेकिन स्त्रावण कौन करता है इसका, तो कनेक्टिव टिश्यू करते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में कौन करता है ये नहीं पूछा है, कनेक्टिव टिश्यू में हमारे ब्लड आ जाएंगे, लिम्फ आ जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें। हड्डियों में सबसे अधिक लवण कौन सा पाया जाता है, तो हड्डियों में आपको पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी। इसमें यही पूछा है कि जो प्रोटीन है किससे बने होते हैं बेसिकली, ठीक है, क्वेश्चन यही है। तो प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन्स होती हैं, बने होते हैं कार्बन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट होता है B12 में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, B12। अगला क्वेश्चन है कि काइटिन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, काइटिन मिलता है आर्थ्रोपॉड्स जो होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन में काइटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन में, कीटों और अन्य आर्थ्रोपॉड जंतुओं के बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन में। अगला क्वेश्चन है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है, बाइल का फंक्शन, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट फॉर डाइजेशन, ठीक है, बाइल जो है फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, ऑप्शन नंबर ए। और आखिरी क्वेश्चन है आपके साइंस सेक्शन का, सुमेलित करना है इसको, ठीक है, मैच करना है यहाँ पर, तो लाइपेज को आप मिलाएंगे यहाँ पर फैट डिजोल्विंग एंजाइम से, ठीक है, और ट्रिप्सिन एसिड जो है ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, और एमाइलेज जो है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है, ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा आपका एमाइलेज में, और इरिप्सिन जो बच रहा है, इरिप्सिन का यहाँ पर क्या फंक्शन होगा, पॉलीपेप्टाइड जो है अमीनो एसिड में उनके लिए, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स अमीनो मतलब पॉलीपेप्टाइड जो है उनको छोटे चेन में कन्वर्ट करता है, छोटे अमीनो एसिड के चेन में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। यहाँ से हम लोग मैथ्स के सेक्शन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है 26 नंबर, व्हेन 60 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ द नंबर, किसी नंबर के 60% में से 60 को लेस करना है, तो वो नंबर अगर एक्स है मान लीजिए, तो उसका 60% क्या हो जाएगा, 3/5 ऑफ एक्स, 60% का मतलब होता है 3/5। अब इसमें से आप 60 लेस कर रहे हैं और ऐसा करने के बाद 60 ही आपको नज़र आ रहा है, इस नेगेटिव के 60 को उधर लेके आएंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो 3/5x इज इक्वल टू 60+60 यानी 120। तीन ने इसको 40 बार में काटा, पाँच उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 40 × 5 = 200, एक्स कितना आ गया 200, और आपसे पूछा भी वही है, फाइंड दैट नंबर, ऑप्शन डी। इसके बाद अगला देखते हैं, फाइव स्टूडेंट्स ए बी सी डी एंड ई, तो ये ए बी सी डी और ई, पांच स्टूडेंट ने एक पर्टिकुलर एग्जाम दिया और आगे आपके सामने इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि सी को बी से 5 नंबर कम मिले, डी गॉट 10 मार्क्स मोर देन बी, और ये सब चीज़ें, किसी एक का एग्जैक्ट डेटा पता चल जाए तो बस अपना काम हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ बी गॉट 40 मार्क्स, तो बी को 40 नंबर दे दीजिए। अब फिर से ऊपर आइए, सी गेट्स 5 मार्क्स लेस देन बी, तो 40 से 5 कम करेंगे तो 35 आएगा ना, तो सी को 35 नंबर मिले। डी गॉट 10 मार्क्स मोर देन बी, अगर बी को 40 मिले हैं तो डी को 50 मिले होंगे, तभी जब 10 ज़्यादा मिले होंगे। एंड 20 मार्क्स लेस देन ए, डी के बारे में दो जानकारियाँ हैं, पहली ये है जो मैंने अभी आपको बताई कि वो बी से 10 नंबर ज़्यादा लाया, साथ ही साथ
ए से 20 नंबर कम लाया, तो 50 नंबर ला के भी 20 नंबर कम ला रहा है, इसका मतलब इसके कॉम्पिटिटर ने 70 मार्क्स लाए होंगे। तो ए के कितने आ गए, 70 आ गए। हाउ मैनी मार्क्स डिड ए गेट, तो ई को फिल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे ए के नंबर आप बता दीजिए, 70, ऑप्शन नंबर डी। इन अ ट्रेन अ टोटल ऑफ 1200 आर्मी पर्सनल आर ट्रेवलिंग, 1200 सैनिक एक पर्टिकुलर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और उसमें से कुछ सिपाही थे तो कुछ ऑफिसर रैंक के कैप्टन थे। वन कैप्टन इज अपॉइंटेड फॉर एवरी 15 जवान्स, इस बात का मतलब जिसने समझ लिया उसका क्वेश्चन यहाँ पे क्रैक हो जाएगा। अगर कुल मिला के 15 और एक 16 सैनिक हैं, तो उनमें से एक कप्तान है और बाकी 15 सिपाही हैं, ये कहने का मतलब है अगर 16 ना हो के 1200 हो जाए तो क्या हो। बस कंपेयर कर लेते हैं फिर, हम लोगों को ये पता चला कि अगर टोटल 16 हैं तो कप्तान एक है, अगर टोटल 1200 हो जाए तो कप्तान कितने हो जाएं, बस बता देते हैं, 1200 इंटू 1 डिवाइड बाई 16, 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा और 2 0, 4 ने 300 को 75 बार में काट दिया, तो टोटल यहाँ पे कप्तान कितने आ गए, 75, ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर बात करते हैं, द एक्सप्रेशन दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, जब भी आपसे क्वेश्चन में कहा जाए ऑलमोस्ट इक्वल टू, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ कॉमन सेंस यहाँ पे अपना इस्तेमाल करना है और बताना है कि इसकी वैल्यू लगभग क्या हो सकती है। तो हम लोग अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए ये बात जानते हैं कि यहाँ पे पॉइंट के बाद काफ़ी सारे डिजिट हैं और यहाँ पे ज़ीरो पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट हैं, इसका मतलब छोटी छोटी संख्याएं यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, और छोटी छोटी संख्याओं को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो और ज़्यादा छोटी संख्या आ जाती है ना। मान लीजिए ये 1/8 है, अब इसका मैं अगर क्यूब कर दूं तो 1/512 हो जाएगा। अब ये जो फ्रैक्शन है ना, इसमें डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है लेकिन न्यूमरेटर बहुत छोटा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू इसकी और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी ना, तो इसमें चारों ऑप्शन में से सबसे छोटी वैल्यू निकाल के आपको बतानी है। इसमें एक के बाद पॉइंट है, इसमें तीन के बाद, इसमें दो के बाद, इसमें चार के बाद, तो सबसे छोटी वो वैल्यू होगी जिसमें पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। बिना कुछ किए हमने इसको सॉल्व कर लिया और यही करना भी था। 30 नंबर देखते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.125, इसका मतलब फ्रैक्शन में जानते हैं ये 1/8 होता है, यहाँ पे 0.125 इंटू 0.125 यानी 1/8 इंटू 1/8 इस तरीके से है कुछ, और ये 0.004 मतलब 0.004, हाँ यही है, और नीचे क्या है 0.125 प्लस 0.004, तो ये तो 0.129 आ जाएगा, और इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, 3 3 6, तो नीचे 1/10^6 हो जाएगा और ऊपर जाएगा 1000, यानी 4 × 4 डिवाइड बाई 129 इंटू 1/10, मतलब 1000, सॉरी, क्योंकि 10^6 ऊपर था 3 नीचे था, काटेंगे, मैंने उल्टा बोल दिया, 10^6 नीचे था ये ऊपर था, कोई बात नहीं, ये फ़िलहाल मैंने सही निकाला है, और यहाँ ऊपर से 1/64 तो रहेगा ही। अब इसको जब आप निकालने के लिए जाएंगे तो ये अप्रॉक्स 0.12 आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन के बेस पे मैंने इसको आंसर किया है, इसको कैलकुलेट करना उतना संभव नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको ये सर्ड कैलकुलेट करना है, ये जो रूट थ्री है इसको बोलते हैं 3^1/2, और उसकी भी पावर 5 है। अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में हो, a^m और पूरे का r^n, तो पूरा एक्सप्रेशन इस तरीके से खुलता है a^mn, तो ये क्या हो जाएगा 3^5/2, और 9 स्क्वायर का मतलब होता है 3 का स्क्वायर का स्क्वायर, बिकॉज 9 को 3 का स्क्वायर कहते हैं, तो ये 3^4 है। अगर बेस सेम हो तो पावर्स हो जाती हैं ऐड, तो इतने पूरे को हम लिख सकते हैं 3^5/2 + 4। अभी इसको होल्ड पे रखिए, इसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी।
आरएचएस में है 3^n, और इतने पूरे को पता है क्या बोलते हैं, 3 को बोलते हैं 3^1, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को बोलते हैं 3^2। इसको पूरे को क्या बोलेंगे, 1+2 यानी 3/2, 3^n इंटू 3^3/2 यानी कि 3^n+3/2। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप इक्वेट कर दें, मतलब एक्सप्रेशन को, तो ये 3 बेस है तो कैंसिल हो जाएगा, 5/2+4 = n+3/2। अगर इस पॉजिटिव के 3/2 को उधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा नेगेटिव, 5/2 - 3/2 यानी 2/2 यानी 1, 1+4 यानी 5, x या n जो भी है, ये कितना आ गया, 5 आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से 32वें नंबर क्वेश्चन में भी आपको हल करना है, LHS तो हर जगह सेम रहेगा, 2^2n-1। RHS के बेस को भी हमें 2 के बराबर लाना होगा, तभी हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। ये जो 1/8 है, तो 8 की प्लेस पे मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, और अगर ये पूरी चीज़ ऊपर जाएगी तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव, एक्सपोनेंट में ये रूल काम करता है। क्या रूल काम करता है, अगर a^-x मान लीजिए लिखा है, तो इसको बोलते हैं 1/a^x, तो ये 2^-3 × n-2 हो जाएगा। इक्वेट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n-1 = -3n+6, सॉरी यहाँ पे n-3 है तो यहाँ पे +9 हो जाएगा, फिर ये 3n नेगेटिव का उधर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये 5n, ये नेगेटिव का 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव 9 और 1 10, 5n = 2, n = 2, ऑप्शन नंबर बी। इस वाले क्वेश्चन में आपको ये 4 के 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इनको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में सजाना है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है बढ़ते हुई वैल्यूज़ के फॉर्म में, यानी सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आनी चाहिए और इनमें जो सबसे बड़ा है उसको सबसे आखिर में आना चाहिए। तो ऑप्शन से चलते हैं फिर, सबसे पहले इन्हीं दोनों को उठा लेते हैं, अगर 2/7 छोटा हुआ तभी वो यहाँ पे रह पाएगा, अदरवाइज ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर अगर आपको मेंटेन करना है तो एक एक चीज़ सही होनी चाहिए। ये 2/7 या 8/13, 13 × 2 = 26, 8 × 7 = 56, तो फिलहाल ये छोटा है, इसका मतलब अभी तक तो मामला एकदम ठीक है। इसके बाद इस 8/13 और 16/57 को लेते हैं, 8/13, 16/57, तो 57 × 8 अगर आप करेंगे तो 350 के ऊपर कुछ ना कुछ आएगा, जबकि 16 × 13 उतनी बड़ी वैल्यू आपको नहीं दे पाएगा, तो जाहिर सी बात है 8/13 बड़ा हो गया। ये कैसे बड़ा हो गया, छोटा होता तभी इसको यहाँ पे जगह मिलती, लेकिन अभी नहीं मिल पाएगी, ये ऑप्शन ही गलत है, ये ख़त्म। उसके बाद इसको देखते हैं बी को, सबसे पहले 16/57 और 2/7, इनको अगर हम कंपेयर करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर 16 × 7 = 112, 57 × 2 = 114, तो 112 छोटा है, इसका मतलब ये पूरी चीज़ एकदम ठीक लिखी है। इसके बाद इस 2/7 को 32/97 से कंपेयर करते हैं, 97 × 2 = 94, 32/7 हो जाएगा 200 के ऊपर, यानी कि ये बड़ा है, और ये बड़ा है इसका मतलब ठीक लिखी हुई हैं चीज़ें। अब इस 32/97 से इस 8/13 को कंपेयर करेंगे, 97 × 8, ये वैल्यू तो 800 के ऊपर निकलेगी, जबकि ये 350 समथिंग आएगी, तो इसका मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। तो सब कुछ हमने देख लिया कि सबसे पहली प्लेस पे अगर हम 2 को एक साथ ले रहे हैं तो छोटा ही मिल रहा है, इसका मतलब ऑर्डर एकदम मेंटेन है, ऑप्शन बी। इफ द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 120, 3 नंबर का एलसीएम 120 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इट्स एचसीएफ, तो इनमें से कौन सा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो सिंपल सी चीज ये है कि एचसीएफ वो नहीं हो सकता जो कि 120 को ना काट पाए, 8 काट देता है 15 बार में, 12 10 बार में काट देता है, 24 5 बार में काट देता है, 30 20 को 4 बार में काट देता है, तो ये काटने वाली फैसिलिटी कुछ समझ में नहीं आई, सभी काट दे रहे हैं, अब हम कैसे पता करें।
तो यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है एक्चुअली, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में 35 दिया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहाँ पे 35 करेक्ट ऑप्शन था जो कि एचसीएफ नहीं हो सकता था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 24, 32 एंड 36 लीव्स द रिमाइंडर दिस दिस एंड दिस। तो सबसे पहले एक एक करके पढ़िए, अगर उसको 24 से आप डिवाइड करेंगे तो 19 रिमाइंडर देगा, तो उस नंबर में से अगर आप 19 लेस कर देंगे तो बचे हुए नंबर को 24 से डिवाइड करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, मतलब बिना रिमाइंडर के वो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करना है, चारों ऑप्शन में से एक एक को उठाना है, सबसे पहले 19 कम कर देना है, जैसे ऑप्शन ए है 283, 19 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 264। अगर ये 24 से डिवाइड हुआ तो इसके सही होने के चांसेस हैं, ये 24 से बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, इसके सही होने के चांसेस एकदम है। ऐसे ही अगर आप बी ऑप्शन को देखें तो इसमें से अगर आप 19 कम करेंगे तो 254 आएगा, ये 24 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि ये 264 डिवाइड हो गया ना, तो इससे 24 पहले यानी 240 से पहले कोई भी नंबर हो वो 24 से डिवाइड नहीं हो सकता है। इसी तरीके से 281 में से अगर आप 19 कम करेंगे तो ये आएगा 262, 240 से कम पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 264 डिविजिबल है हमको पता है, ये भी ख़त्म। इसी तरीके से इसमें अगर आप 19 कम करेंगे तो 266 आएगा और ये भी 24 से डिवाइड नहीं होता, तो एक ही ऑप्शन है जो डिवाइड होता है 283, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बाकी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये कंडीशन चेक ना करनी हो 24 19 वाली तो 32 और 27 वाली देख लीजिएगा। 36 नंबर बात करते हैं, इफ द प्राइस ऑफ द ओनियन इज रिड्यूस्ड बाई 10%, तो मान लो पहले 100 रुपये का था, 10% कम किया तो 90 रुपये का आ गया, देन वॉट परसेंटेज ऑफ इट शुड बी कंज्यूम्ड बाई दी हाउस वाइफ सो दैट द एक्सपेंडिचर इज नॉट रिड्यूस्ड। जिस तरीके से पहले 100 रुपये में प्याज खरीदा जा रहा था, उस घर की रिक्वायरमेंट ये है कि प्याज के ऊपर 100 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, तो प्राइस अगर 100 से 90 हो गया तो इसका मतलब ये बात क्लियर है कि 100 रुपये से 110 रुपये आपको बढ़ाना पड़ेगा एक्सपेंडिचर को, क्योंकि दिया हुआ है ना कि पहले जितना खर्च कर रहे थे उतना ही खर्च करेंगे, भले ही रेट क्यों ना गिर गया हो, ज़्यादा प्याज ले लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 100 से 90 हो गया ना, तो 90 से 100 कर दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, अगर प्राइस बढ़ेगा तो खर्चा कम करोगे, प्राइस कम हो गया तो खर्चा बढ़ा दोगे। 100 रुपये की चीज़ अगर 90 रुपये में बिक रही है तो इसका मतलब 90 किलो अगर आप खरीदते थे मान लो, तो 100 किलो खरीदने लगोगे तो कितने किलो ज़्यादा आप खरीदेंगे, 10 कितने पे, इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दो 90 पे, तो ये आ जाएगा 1/9 जो कि होता है 100/9%, यानी कि 11 1/9%, ऑप्शन ए। 300 ग्राम्स ऑफ शुगर सोल्यूशन कंटेन्स 40% शुगर, ये 300 ग्राम, इसमें कुछ चीनी है और बाकी अदर सब्सटेंस हैं, तो चीनी कितनी है 40%, 10% लेंगे तो 30, 40 मतलब 4 गुना, 120 ग्राम इसमें चीनी है और बाकी का 180 ग्राम दूसरा कुछ है जो भी है, तो मिलानी क्या है, चीनी मिलानी है। तो मान लो x ग्राम आपने चीनी मिलाई इस तरीके से कि चीनी 50% हो जाए, तो 120 चीनी पहले थी उसमें आपने x मिला दी, डिवाइड बाय 180, 180 से क्यों डिवाइड किया अभी पता चलेगा आपको, ये चीनी है तो चीनी के सामने चीनी का परसेंटेज लिख दो 50%, ये बाकी का है तो बाकी के सामने बाकी का परसेंटेज लिख दो 100%, अगर सोल्यूशन है 50 चीनी है तो 85% बाकी भी होगा ना, ये 1 आ गया, 180 उधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, ये 120 उधर गया तो 180 में से लेस हो गया, x बराबर 60 ग्राम, इतनी चीनी आप मिलाएंगे, ऑप्शन सी। अ विलेज हेड अ ट्रैक्टर वर्थ ₹10 लाख, हिंदी में पढ़ते हैं, एक ग्राम प्रधान 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर किसान को 10% लॉस पे बेच देता है, तो इस 10 लाख को जरा किनारे कर दें, मान लो 100 रुपए की चीज़ वो बेच रहा है 10% लॉस पे, तो कितने में बेच रहा है, 90 रुपए पे। अब हुआ क्या, किसान वापस इसी चीज को इसी ग्राम प्रधान को आके दे देता है कितने पे, 10% फायदे पे, तो 90 का 10% क्या होता है, 9, तो 9 रुपए के फायदे पे यानी 99 रुपए पे
बेच देता है वापस। तो कहानी एक बार फिर से सुन लीजिए, हुआ क्या, 100 रुपए में एक पर्टिकुलर चीज़ को एक ग्राम प्रधान खरीद के लाता है और 10% लॉस यानी 90 रुपए में किसान को बेच देता है। तो किसान ने इसको कितने पे किए, 90 रुपए पे किए ना। इस 90 रुपए की चीज़ को 10% प्रॉफिट यानी 99 रुपए पे इसी ग्राम प्रधान को वापस बेचता है। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन के एनालिसिस करते हुए आपको बताना है कि रिजल्टेंट किसको लॉस हुआ, किसको यहाँ पे कह सकते हैं प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप ग्राम प्रधान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 100 रुपए की चीज़ वो मार्केट से खरीद के लाता है और किसी को बेचने के बाद 99 रुपए में उस चीज़ को खरीद लेता है। अगर इस 10% के लॉस को हम इग्नोर कर दें, 10 रुपए के लॉस को इग्नोर कर दें, तो ग्राम प्रधान जो है अभी भी 1 रुपए के प्रॉफिट पे ही चल रहा है, क्योंकि 100 रुपए उसकी जेब से लगे थे और दूसरे आदमी को उसको 99 रुपए पे करने पड़े और चीज़ वही की वही उसके पास है, क्योंकि किसान से उसने खरीद ली थी ना वापस, तभी तो 99 रुपए उसने उसको मिले। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन जरा आप ध्यान दें कि किसान से वापस खरीदने से पहले किसान को बेचा भी तो होगा ना, तो 10 रुपए का नुकसान तो ये अपना पहले ही कराए बैठा है। तो क्या हुआ, 1 रुपए का फ़ायदा हो गया, तो 9 रुपए का नुकसान अभी भी हो रहा है ना। तो अगर वो कीमत 100 रुपए है तो 9 रुपए का नुकसान ग्राम प्रधान अभी भी झेल रहा है, लेकिन कीमत तो 10 लाख है ना। तो 100 से 10 लाख कैसे बना सकते हैं, 10,000 का गुणा करके। तो इधर भी 10,000 का गुणा करने पर आपको उसका टोटल लॉस पता चल जाएगा। तो ग्राम प्रधान को देखें अगर आप, तो 90,000 का नुकसान इसको होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो गया। तो द विलेज हैड लॉसेस ₹90,000। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। अ ट्रेडर इनिशियली सेल्स एन आइटम बाय इंक्रीजिंग इट्स कॉस्ट बाय 10%, ही देन रिड्यूसेस द प्राइस बाय 10%। तो पहले 10% ऊपर बेचता है, लेकिन जिस प्राइस पे वो बेच रहा है उस पे 10% का डिस्काउंट भी देने लगता है। तो एक बार +10%, एक बार -10%। तो ओवरऑल चीज़ निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 यूज़ करते हैं। एक्स की वैल्यू हम लेंगे +10 बिकॉज उसने अपनी कीमतों को बढ़ाया, वाई की वैल्यू हम लेंगे -10 बिकॉज उसने डिस्काउंट दिया। तो 10 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस, इसलिए -10 × 10/100, ये कैंसिल हो गया और ये -1 आ गया। 1% इसका करेक्ट आंसर हो गया और नेगेटिव यहाँ पे है, इस वजह से उसको लॉस हुआ। तो 1% लॉस, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर बात करते हैं, एनी अलॉय विच कंटेन्स 90% कॉपर एंड 10% जिंक इज मिक्स्ड विद अनदर एलॉय। दो एलॉय हैं, आप जानते हैं एलॉय क्या होता है, किसी फिक्स रेशियो में मेटल्स को मिला के जो नई चीज़ बनती है इसी को एलॉय बोलते हैं। पहले अलॉय में 90% कॉपर 10% जिंक है और दूसरे वाले में 96% कॉपर 4% जिंक है। इन वॉट प्रपोर्शन शुड दे मिक्स्ड विद ईच अदर सो दैट 9% जिंक इज देयर इन द मिक्सचर। पहले जिंक कितना था, तो पहले जिंक आपका था 10%, बाद में जिंक हो गया 4%, कुल मिला के जिंक कितना चाहिए, 9%। तो एलिगेशन लगाने के लिए ये परफेक्ट सीन बन गया। तीन वैल्यूज़ आपके पास हैं जो कि सेम नेचर की हैं, तीनों में जिंक का परसेंटेज है इस वजह से सेम नेचर की हैं। इनके डिफरेंस को यहाँ लिखेंगे 1, इनके डिफरेंस को यहाँ लिखेंगे 9 माइनस 4 5, 5/1 यहाँ से करेक्ट हो गया, इसी रेशियो में मिलाया, ऑप्शन बी। अ बैग कंटेन्स ₹155 इन विच द रेशियो ऑफ 1 रुपी 50 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन इज दिस। उस बैग में रुपए तो हैं, लेकिन रुपए होने का भी एक तरीका है, उसमें सिर्फ तीन तरीके से रुपए हो सकते हैं। कुछ उसमें 1 रुपए के सिक्के हो सकते हैं, कुछ आधे रुपए के हो सकते हैं मतलब 50 पैसे के, कुछ 1/10 रुपए के हो सकते हैं मतलब 10 पैसे के। तो ये तरीका हो गया। अब ये है नंबर कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, आधे रुपए के और 1/10 के कितने सिक्के हैं। तो रेशियो हमको दिया है 3:5:7। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने बोला अगर 1 रुपए के 3 कॉइन हैं तो आधे रुपए के 5 हैं और 1/10 के 7 हैं, अगर 3 हैं तो ही ये रेशियो ट्रू होगा, अदरवाइज कंपेयर कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो टोटल रुपए कैसे निकालेंगे, जो टोटल रुपीस होते हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं कि आपके पास कितने सिक्के हैं
कितने कॉइन्स और हर एक कॉइन की क्या वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ईच कॉइन। तो टोटल रुपीज़ इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ईच कॉइन इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इस चीज़ का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। ये मैं लिखने जा रहा हूँ वैल्यूज़ का रेशियो। तो एक रुपए के तीन सिक्के हैं, तो टोटल रुपए बताइए ज़रा, 3 रुपए, ऑब्वियस सी बात है। आधे रुपए के पांच सिक्के हैं, तो टोटल वैल्यू बताइए ज़रा, 5/2। 1/10 रुपए के सात सिक्के हैं, तो टोटल वैल्यू बताइए ज़रा, 7/10, ऑब्वियस सी बात है। अब इन सबको ज़रा ऐड कर देते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है उससे कंपेयर करा लेंगे। तो 3 + 5/2 + 7/10, इन तीनों का एलसीएम हो गया 10। तो 10, ये नीचे 1 है, तो 1 10 ज़ा 10 3 ज़ा 30, 2 5 ज़ा 5 5 25, 10 1 10 और 1 1 1, सॉरी यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, मुझे 1 दिख गया, एक्चुअली ये 7 है। तो यहाँ पे 7 होगा, 30 25 55 7 62, तो 62/10 की वैल्यू 155 दे रखी है। ऐसा मैंने क्यों बोला, अगर रेशियो सिस्टम के हिसाब से जाएं तो उस पर्स में 62/15 रुपए हैं, लेकिन सवाल के हिसाब से 155 है, तो दोनों वैल्यू बराबर हैं, क्योंकि दोनों इस बात को इंडिकेट करते हैं कि बैग में कितने पैसे हैं। 31 2 ज़ा 31 5 ज़ा 2 5 ज़ा 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25। इसका यूज़ ये है कि ऊपर जो भी रेशियो है उसको 25 गुना करके आप एक्चुअल वैल्यू पता कर ले जाएंगे। पूछा है हाउ मैनी कॉइन्स आर देयर, तो हमारे हिसाब से कितने सिक्के हैं, 7 5 12 3 15, सवाल के हिसाब से 25 गुना करके आंसर निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 375, ऑप्शन नंबर सी। इफ हितेश इज 40 ईयर्स ओल्ड एंड रॉनी इज 60 ईयर ओल्ड, हाउ मैनी ईयर्स अगो देयर एज विल बी इन द रेशियो दिस। तो चलिए 5 साल पहले की बात करते हैं, हितेश 40 का है, 35 का हो जाएगा, इसी तरीके से रॉनी 60 का है, 55 का हो जाएगा। 5 7 ज़ा 5 11 ज़ा, क्या ये रेशियो आपको चाहिए, नहीं चाहिए, हमें 3/5 चाहिए, नहीं मिला तो ऑप्शन नहीं होगा। चलिए ऑप्शन बी के हिसाब से 20 साल कम करते हैं, हितेश 40 का है तो 20 का होगा, इसी तरीके से रॉनी 60 का है तो 40 का होगा। 21 ज़ा 22 ज़ा, क्या ये रेशियो आपको चाहिए, नहीं चाहिए, गलत हो गया। ऑप्शन सी के हिसाब से 10 10 साल कम करेंगे, हितेश 30 का हो जाएगा और रॉनी कितने का हो जाएगा, 50 का, 10 3 ज़ा 10 5 ज़ा, आपको यही रेशियो चाहिए था ना, मिल गया। कैसे मिला, ऑप्शन सी की सहायता से, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 43 नंबर बात करते हैं, एज एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ बी, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। चलिए यहाँ पे ढूंढने की कोशिश हम ये करते हैं कि एक अगर एब्सोल्यूट वैल्यू पता चल जाए, मतलब जो सच में वैल्यू होती है वो पता चल जाए, तो बस काम हो जाएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एज एज विल बी 30 ईयर्स आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब 4 साल के बाद ए जो है वो 31 साल का हो जाएगा। तो एक बात बताइए, आज कितने का है, आज ए 27 साल का है, सिंपल है। और एक सिचुएशन अपने पास 4 साल पहले की है, तो 4 साल पहले कितने का रहा होगा, ये 23 साल का रहा होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ए की, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए वापस चलते हैं, 4 ईयर्स अगो सीज एज वॉज ट्वाइस दैट ऑफ ए, तो ए की उस समय एज 23 थी, लेकिन सी की उस समय एज हो जाएगी 23 का डबल 46। हम लोगों से पूछा क्या है, व्हाट इज़ द एज ऑफ बी एंड सी एट प्रेजेंट, तो बी का हिसाब किताब और देख लेते हैं। एज एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ बी, तो ए जो है वो अभी 27 साल का है, 3 गुना होने के बावजूद 27 साल का है, इसका मतलब जो सामने वाला बंदा है जिससे कंपेयर करा रहे हैं वो 1/3 होगा। कौन 1/3 होगा, बी 1/3 होगा, 27/3 यानी 9, बी जो है वो 9 साल का है। सी जो है वो 4 साल पहले 46 का था, तो आज कितने का है, 50 का है। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द एज ऑफ बी एंड सी एट प्रेजेंट, तो बी 9 साल का है, सी 50 साल का है, ऑप्शन नंबर बी। 4 men and 6 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, तो 4 आदमी और 6 औरतें मिलके 8 दिन लगाती हैं। वाइल 3 men and 7 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज, अगर ये ना हो के 3 आदमी और 7 औरतें मिल जाएं तो काम 10 दिन में कंप्लीट हो जाए। बस इक्वल टू करा के M वर्सेस W का रेशियो ले लीजिए,
2 4 जा 2 5 जा, 4 चौक 16, मेन प्लस 6 चौक 24 विमेन, इसी तरीके से 3 5 15 m इज इक्वल टू 7 5 35 w, 6 15 m उधर जाएगा, तो m इज इक्वल टू 35 माइनस 24 यानी 11। तो m वर्सेस w का जो रेशियो है वो आ जाएगा 11/1। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको कई बार बताया, क्योंकि इससे आपको टोटल वर्क निकालने में हेल्प मिलती है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो 4m + 6w × 8 में m की जगह पे 11, w की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो 4 × 11 + 6 × 1 पूरे का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। अब इसको सॉल्व मत करिए, सिर्फ ये देखिए इस काम को करना कितने लोगों को है। इन हाउ मैनी डेज 10 वीमेन कैन कंप्लीट द वर्क, तो 10 वीमेन की प्लेस पे 1, तो ऊपर 44 6 50 × 8 और नीचे है 10, 10 5 जा 5 8 जा 40, ऐसे ऐसे 40 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ए वर्क अलोन फॉर 10 डेज। तो कुछ भी आपको ऐसा क्लू नहीं मिला है जिससे आप टोटल वर्क निकाल पाएं या फिर ए और बी में से किसी एक की एफिशिएंसी पता कर पाएं। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा दो चीज़ें एज्यूम किया करेंगे। पहली चीज़ आप ये एज्यूम करिए, 20 दिन लेते हैं ना, तो 20 यूनिट टोटल काम है। और दूसरी चीज़ आप ये एज्यूम करेंगे कि दोनों मिल की एफिशिएंसी क्या है, इस बात से मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर दोनों हर दिन साथ में काम करेंगे तो एक यूनिट काम हो जाएगा। मान लो दोनों मिल के 10 दिन काम करते हैं तो 10 यूनिट काम हो जाएगा। लिखा हुआ है ए वर्कड अलोन फॉर 10 डेज, तो अगर हम इनकी एफिशिएंसी आधी आधी मान लें, मतलब आधा यूनिट एक दिन में ए करता है आधा यूनिट बी करता है, तभी दोनों मिलके एक यूनिट कर पाते हैं जैसा कि हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है। तो ए जो है 10 दिन काम करता है और हर एक दिन आधी यूनिट निपटा देता है, तो टोटल कितनी यूनिट वो ख़त्म कर चुका होगा काम, ऐसी ऐसी 10 × आधा यानी कि 5 यूनिट काम ख़त्म कर चुका होगा। काम बचा कितना है, 20 था, 5 कर लिया, 15 यूनिट काम बचा हुआ है। इस 15 यूनिट काम को बी करता है 25 दिन में और पूछा है पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 15 यूनिट करता है 25 दिन में, तो 20 यूनिट तो ज़्यादा दिन में करेगा ना, 25 दिन में तो करेगा नहीं, तो ऑप्शन सी ख़त्म, क्योंकि 25 दिन में तो बाकी का करता है, तो पूरा कैसे कर सकता है उतने दिन में। इसी तरीके से 25 से कम दिन भी वो नहीं लगाएगा, तो बस दो ऑप्शन में आप फंस जाएंगे। तो इन दोनों में से जो सबसे क्लोजेस्ट होगा उसको टिक करेंगे। क्लोजेस्ट निकालने के लिए फाइनल निकाल लेते हैं, 25 × 20/15, 5 3 जा 5 4 जा, 100/3 का मतलब होता है 33.1/3। और आपके पास दो ऑप्शन है, एक 30 है एक 35 है, तो 35 दिन पूरे पूरे नहीं ले रहा, इस बात को हटा देते हैं, 30 से थोड़ा ऊपर ले रहा है, इसलिए नियर बाई वैल्यू 30 ले लेते हैं। ऑप्शन ए, अ सेलर टेक्स 20 आवर्स टू गो 45 किलोमीटर एंड बैक। मान लो ये नदी है और वो इस तरफ बह रही है और उसको 45 किलोमीटर जाना है और उतने ही किलोमीटर वापस आना है, तो ये अगर पॉइंट ए है ये बी है, तो ये गैप कितने का हो गया, 45 किलोमीटर का। जब ए से बी जाएगा तो ये पानी उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन जब वापस आएगा तो यही पानी उसको पीछे ढकेलेगा, आगे जाने नहीं देगा। जब पानी सपोर्ट करता है तो नेट स्पीड x प्लस वाई होती है। x का मतलब है आपके नाव की स्पीड या फिर आपकी स्पीड अगर आप खुद तैर रहे हो, और y का मतलब होता है पानी की खुद की स्पीड। इसी तरीके से x माइनस वाई कब होगा, जब पानी आपको अपोज करेगा, x प्लस वाई सपोर्ट के केस में। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस x प्लस वाई वाले केस में भी 45 है, x माइनस वाई वाले केस में भी 45 है, और टोटल टाइम कितना लगा है, 20। इक्वेशन नंबर 1 मान के अभी इसको साइड में रखेंगे। इफ़ ही वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स द स्ट्रीम ऑफ वाटर एंड 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम एट द सेम टाइम, इस बात को नोट करिएगा आप, लिखा हुआ है सेम टाइम, 12 किलोमीटर सपोर्ट वाली सिचुएशन में जाने में, टुवर्ड्स द स्ट्रीम का मतलब ये, अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब अपोज वाली सिचुएशन में जाने में समय सेम लगता है, यानी t1 = t2। t1 मतलब 12/x + y, आप समझ गए होंगे क्यों लिखा, t2 मतलब 4/x - y,
फोर थ्री जा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 3y, सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 4y, टू टू जा एक्स इज इक्वल टू 2y, यानी x बाई वाई का रेशियो कितना आ गया 2 बाई 1। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये बताता है कि अगर आप दो की स्पीड से चल रहे हैं तो पानी एक की स्पीड से चल रहा है, सिंपल चीज ये है। तो इसका रेशियो आ गया, अब x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1 रख के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू किसकी निकालिएगा, तो x की जगह पे आप 2k अज्यूम करेंगे, y की जगह पे k अज्यूम करेंगे, जहाँ पे k एक कांस्टेंट है, तो 45 बटे x की जगह पे 2k, y की जगह पे सिर्फ k, तो ये 3k हो गया। इसी तरीके से ये 45 बटे 2k माइनस k यानी k हो गया, और ये 20 है। अब मैं सारी चीज़ें इरेज कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हम लोग ध्यान लगाएंगे। एक मिनट की और बात है, अगर LHS में आप 45 कॉमन ले लें तो ये 1/3k प्लस 1/k हो गया, और ये 20 हो गया, यानी कि k प्लस 3k यानी 4k डिवाइड बाई 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 20 बटे 45। 5 4 जा 5 9 जा 4 1 जा, k से k कटा, 3 3 जा 9, k बराबर कितना आ गया 3 आ गया, और x बटे y अपने को 2/1 पता था, यानी 2k और k, y की वैल्यू k है ना, तो y की वैल्यू 3 है, बिकॉज k 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट हो गया। स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछिए, जिसको हम y से दिखाते हैं। द व्हील ऑफ 20 डेसीमीटर सरकमफ्रेंस, यहाँ पे कीवर्ड मिसिंग है, हिंदी से देख लीजिए, लिखा हुआ है परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। पहिए की सरकमफ्रेंस 20 है और उसकी फ्रिक्वेंसी बता रखी है कि वो 4 सेकेंड में 16 बार रोटेट करता है, तो फ्रीक्वेंसी निकल सकती है कि एक सेकंड में कितनी बार रोटेट करता है, 4 4 जा, यानी एक सेकंड में 4 बार रोटेट करता है, तो 4 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, जबकि 1/4 इसका टाइम पीरियड हो गया, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी से टाइम हमने क्यों निकाला वो समझिए ज़रा। मान लो ये पहिया ग्राउंड से इस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो एक रिवोल्यूशन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब घूम के, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में, जब ये पॉइंट वापस से ग्राउंड को टच कर जाएगा। और एक रिवॉल्यूशन में अगर आप ध्यान दें तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, सरकमफ्रेंस के बराबर, और आपको स्पीड बतानी है उस पर्टिकुलर व्हीकल की जिसमें यह पहिया लगा हुआ है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस आपका 20 डेसीमीटर है, 10 डेसीमीटर मिला के 1 मीटर बनता है, तो 20 डेसीमीटर मिला के कितने मीटर बनेंगे, 2 मीटर, तो 2 डिवाइड बाई 1/4, तो 1/4 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। 8 × 18/5 अगर आप कर देंगे तो आपको kph में स्पीड मिल जाएगी, 18 × 144/5, ये 28 point something आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन 2 years इज ₹50, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ₹50 है 5% के हिसाब से, तो 1 साल का 5% तो 2 साल का 10% होगा, बिकॉज SI का रेट हर साल सेम होता है, तो 10% का मतलब है 50। अब देखिए पूछा क्या है, वॉट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेम अमाउंट एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड। तो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला सक्सेसिव परसेंटेज होता है, जिसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में एक्स वाई दोनों सेम होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, तो 5 + 5 + 5 × 5/100, ये 10, और ये हो जाएगा 1/4, यानी कि 10.25। तो 10% 50 है तो 10.25% क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बस 50 का 0.25% निकाल के इसी 50 में ऐड कर दीजिए, काम हो जाएगा। इसका 0.25% हो जाएगा 1.25, और इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल 51.25, ऑप्शन नंबर ए। इफ द डायमेंशन ऑफ अ रेगुलर ग्रास कवर्ड टेरेन आर 110 एंड 65 रिस्पेक्टिवली, एक घास के मैदान की डायमेंशंस आपको दे रखी हैं। मान लो ये रेक्टेंगुलर शेप में आपका घास का मैदान है, इसकी लंबाई आपको कितनी पता है 110, इसकी चौड़ाई है
और इसके अंदर हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं लिखा हुआ है अंदर। देर इज़ अ 2.5 मीटर वाइड कंक्रीट पाथ अराउंड इट। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये सोचते हैं कि पाथ बना किधर है, तो बगल में देख लीजिए लिखा हुआ है अंदर बना है। तो ये जो 2.5 मीटर का पाथ है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 2.5 मीटर है, और ये 2.5 मीटर ऊपर से भी 2.5 मीटर है और हर तरफ से भी 2.5 है। तो ये जो अंदर की तरफ बनेगा उससे पता है ये जगह छूट जाएगी, जिस पे मैं अभी शेड कर रहा हूँ ये पूरी की पूरी जगह छूट जाएगी और ये पूरी लेंथ हो जाएगी 2.5 मीटर हर तरफ से। और आपको बताना है कि ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा, या फिर एरिया के बाद आपसे ये लोग कॉस्ट भी पूछ सकते हैं, तो वो भी बताने के लिए एरिया तो चाहिए होगा ना। तो चलिए एरिया फाइंड करते हैं इस पर्टिकुलर पाथ का। तो सबसे पहले जिस फिगर पे मैं अभी पेन चला रहा हूँ उसका एरिया ज़रा आप बता के दिखाइए। इसकी लेंथ बताइए 110, इसकी ब्रेथ बताइए 2.5, और ऐसा सेम टू सेम रेक्टेंगल नीचे की तरफ है। तो किसी एक का एरिया निकाल के आप डबल कर लीजिए, एक का एरिया हो जाएगा 110 गुणे 2.5, डबल करेंगे तो 110 गुणे 5। अभी इसको सॉल्व मत करिए, अभी रुक जाइए, अभी पूरे पाथ का एरिया निकला नहीं है। अब ये जो रीज़न है ना जिस पे मैं अभी अभी पेन चला रहा हूँ, ये रीज़न बताना बाकी है, और सेम टू सेम रीज़न इसके सामने है ये वाला। तो जिस पे मैं अभी कलर करूँगा उस रीजन को आपको निकाल के बताना है, एक ये रीजन दूसरा ये रीजन। अब इनका शेप जरा बताइए क्या है, ऑब्वियस सी बात है रेक्टेंगल है, और ये लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ 65 थी, उनमें से 2.5 इधर कम कर दी, 2.5 नीचे की साइड से कम कर दी, तो टोटल 5 कम कर दी यानी 60 आ गई। और उसकी विड्थ कितनी है, ये तो 2.5 है, तो एक रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 60 × 2.5, डबल कर देंगे तो 60 × 5 आ जाएगा। तो दिस प्लस 60 × 5, 5 कॉमन ले लें तो 110 प्लस 60 यानी 170 × 5, ये हमारा कुल मिला के एरिया आ चुका है। अब एरिया बताना होता तो निकाल लेते, लेकिन हम लोग को बताना क्या है, कॉस्ट बतानी है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 80 पैसे है, यानी 80/100 रुपये, यानी 4/5। तो इसको 4/5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 17 × 64 और 1 0, 680 रुपये आपके कुल मिला के लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और ये मैथ्स के सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन भी है। द लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ अ क्यूब, क्यूब की डायगनल क्या होती है, ए रूट थ्री, ये किसके बराबर है, 6√3 के, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू आ गई 6, जो कि इस पर्टिकुलर क्यूब की साइड हो चुकी है। अब इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब यानी 216 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि डायगनल सेंटीमीटर में दे रखी है, क्यूबिक सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे अपने रीजनिंग सेक्शन के बारे में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका नंबर सीरीज का है। सबसे पहले है 2/3, 7/9, 12/15, और फिर आपको बताना है। तो न्यूमरेटर वाइज अगर आप गैप देखें तो 2-7 के बीच में 5 का, 12-7 के बीच में 5 का, तो इधर भी 5 का गैप होना चाहिए, न्यूमरेटर में आपको 17 चाहिए, तो ऐसा एक ही ऑप्शन में हो रहा है बी में, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बी। न्यू डिनोमिनेटर चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, चारों ऑप्शन में अगर आप देखें तो 21 ही नज़र आ रहा है मैक्सिमम में, सिवाय ऑप्शन ए के। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका नंबर सीरीज का है। कभी 15, कभी 10, कभी 35, कभी 12, तो जब भी इस तरीके की इररेगुलर सीरीज आपको दे रखी हो, मतलब कभी पे लेस होके मिल रहा हो, कभी पे आपको ज़्यादा दिख रहा हो, तो अल्टरनेट सीरीज के बारे में आपको सोचना चाहिए। 15 से 35 मतलब 20 का गैप, 35 से 60 मतलब 25 का गैप, 60 से 90 30 का गैप, तो अब की बार 35 का गैप होना चाहिए, लेकिन वो नंबर आपको चाहिए नहीं है जिस बारे में आप देख रहे हैं। तो इधर से आप देखें तो 10 से 12 2 का गैप, 12 से 15 3 का गैप,
तो इधर से कितने का गैप लेना पड़ेगा, चार का गैप, तो 15 4 होता है 19, ऑप्शन नंबर डी। तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये जेड फिर एक्स मतलब -2, फिर उसके बाद वी -2, फिर टी -2, फिर आर फिर -2, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये 5, फिर 10, फिर 29, 36 और ये सब, तो 36 और 69 के बीच में अगर आप देखें तो ये 33 का गैप है, ये 7 का गैप है, ये 19 का गैप है। तो पहले 5 से 10 हुआ मतलब इंटू 2, फिर 10 से इंटू 3 होना चाहिए था, तो इंटू 3 होने के बाद ये 30 होना चाहिए था ये, लेकिन ये तो 29 आ रहा है, तो V29 यहाँ से एकदम गलत हो गया। इसकी वजह से ये सीरीज़ पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं बैठ रही है। जिस तरीके से साउथ का संबंध नॉर्थ वेस्ट के साथ है, तो वेस्ट का संबंध किसके साथ होगा? तो इस डायरेक्शन में इस पॉइंट को अज्यूम करते हैं और उसके नीचे साउथ मान लेते हैं, होता भी एक्चुअली वही है। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे होता है? नॉर्थ वेस्ट होता है इस तरीके से, ये। तो ये कितने डिग्री का फ़र्क है? 90 और 45, 135 डिग्री का फ़र्क है। और कैसे हम पहुँच पा रहे हैं? तो इस डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज। तो जो भी शुरुआत में आपको दे रखा है उससे 135 डिग्री क्लॉकवाइज आप पहुँच जाइए। तो ये वेस्ट है, उससे 90 डिग्री आप इधर जाएंगे तो आप पहुँचेंगे नॉर्थ पे, 45 और जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट पे आप पहुँच जाएंगे, ऑप्शन बी। छः नंबर में आपको ऑड वन आउट बताना है, टेनिस क्रिकेट बॉल और फुटबॉल। तो टेनिस क्रिकेट चाहे फुटबॉल की आप क्यों ना बात करें, ये तीनों स्पोर्ट के टाइप हैं, मतलब ये एक खेल है, जबकि बॉल एक माध्यम है जिससे ये तीनों खेल खेले जाते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो गया। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट राम इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड श्याम इज 5th फ्रॉम द राइट। तो दो अलग अलग बंदे हैं, एक है राम जिसकी रैंक आपको लेफ्ट से पता है जो कि है 10, श्याम की रैंक आपको राइट से पता है जो कि है 5। तो इनको जरा प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं अपने डायग्राम में। सबसे पहले हम अरेंज करेंगे उस बंदे को जिसकी रैंक हमें लेफ्ट से पता है, यानी कि राम, इसकी रैंक है 10 इधर से, और श्याम की रैंक उधर से है मतलब राइट हैंड साइड से 5। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। व्हेन राम एंड श्याम चेंज देयर प्लेसेस, चेंज देयर प्लेसेस का मतलब ये है कि ये बंदा उठ के उसकी सीट ले लेता है और उसी तरीके से श्याम राम की प्लेस पे आ जाता है, लेकिन कुर्सियाँ वही रहती हैं। राम बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट, तो राम अब यहाँ तो बचेगा नहीं, राम इधर से आ चुका होगा, तो राम की पोजीशन लेफ्ट से 15th हो चुकी है। एक बात बताइए, इसकी पोजीशन राइट से क्या है? राइट से वही है जो श्याम की हुआ करती थी जब वो इस सीट पे काबिज था, यानी कि 5। तो राम की नई रैंक लेफ्ट से 15 है और राइट से उसकी रैंक है 5। लेकिन हमसे पूछी कुछ अलग चीज़ है, फाइंड विच प्लेस श्याम विल बी ऑन द राइट आफ्टर रीएलोकेशन। तो श्याम जो अभी अभी तक इस सीट पे था, अभी वो इस सीट पे आ चुका है, और उसकी रैंक ये बताइए लेफ्ट से कितनी हो जाएगी जो पहले राम की हुआ करती थी, बिकॉज उसी की सीट पे तो काबिज हुआ है ना ये, तो उसकी लेफ्ट से रैंक 10 हो जाएगी जो पहले राम की हुआ करती थी। और हमें बताना क्या है, इसकी राइट साइड से नई रैंक बतानी है। तो एक बंदे की रैंक अगर आपको लेफ्ट राइट दोनों से पता हो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल सकते हैं, या फिर इन तीनों में से कोई भी एक अननोन हो तो पता चल सकता है। तो हमें रिक्वायरमेंट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में जानने की। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम यहाँ से पता कर सकते हैं, राम की रैंक आपको लेफ्ट राइट दोनों से पता है, लेफ्ट से 15 राइट से 5। आप जानते हैं कि उसकी राइट से 5 कैसे आई, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो टोटल हो जाएगा एल प्लस आर माइनस 1, यानी 15 प्लस 5 माइनस 1, 15 5 20, एक कम करोगे तो 19 आ जाएगा, 19 कुल मिला के स्टूडेंट हैं। अब इस फॉर्मूले को एक बार फिर से लगाते हैं, 19 इज इक्वल टू एल, एल से श्याम की रैंक अभी लेफ्ट बन चुकी है मतलब 10, आर माइनस 1, 10 में से 11 9, 9 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। नई रैंक कितनी हो गई श्याम की पोजीशन चेंज करने के बाद? 10, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मैनी डॉलर आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज में आपको नंबर ऑफ डॉलर बताने हैं, किस तरीके से बताने हैं? इमीजिएटली आफ्टर विच इज अ सिंबल, मतलब उसके एकदम बाद में एक सिंबल आना चाहिए, कोई भी सिंबल आ सकता है, लेकिन इमीजिएटली बिफोर एन इवन नंबर।
जो आपका डॉलर होगा उसके ठीक पहले क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। इस वाले डॉलर में अगर आप देखें तो इसके बाद तो सिंबल है, लेकिन इससे पहले इवन नंबर है क्या? नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे हम लोग। इस वाले डॉलर को अगर आप देखें तो इसके एकदम बाद में सिंबल है, एकदम पहले चार है जो कि इवन नंबर है, तो एक डॉलर तो भाई मिला। इस डॉलर में अगर आप देखें तो इसके एकदम पहले एक इवन नंबर है दो, लेकिन इसके एकदम बाद में सिंबल नहीं है, पाँच है, तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे। एक डॉलर आपका ये रहा, इसके एकदम बाद में तो इवन नंबर है, इवन नंबर आपको पहले चाहिए। तो ऐसा ऐसा अभी तक एक ही मिला है, लेकिन ये सीरीज थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है। ये इस डॉलर को अगर आप देखें तो एकदम दाएं दाएं साइड पे एकदम बाद में, मतलब एक सिंबल है और एकदम पहले क्या है? चार, जो कि एक इवन नंबर है। तो एक यहाँ से एक यहाँ से, टोटल कितने हो गए? दो। ऑप्शन नंबर डी, देयर आर फाइव बुक्स इन वन लाइन, ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। देयर आर फाइव बुक्स बिटवीन द 21st बुक फ्रॉम द राइट, मतलब दाहिनी साइड से इस तरफ से 21वीं जो किताब होगी, और 28th बुक फ्रॉम द लेफ्ट, इधर से जो 28वीं किताब होगी ये लेफ्ट से, इसके बीच में कितनी किताबें हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच। द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज मोर देन 42, 42 से ज़्यादा है लेकिन पता नहीं कितनी है। तो इसकी 28वीं रैंक लेफ्ट से कैसे हो सकती है जब इसके पहले 27 किताबें हों, और इसकी रैंक दाहिनी साइड से 21 कब हो सकती है जब इसके पहले 20 किताबें हों? तो 27, 20, 47, इन दोनों को मिला के 48 और 49, और एक, दो, तीन, चार, पाँच, 49, 5, 54 किताबें हो गई। ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपको ऑड वन आउट बताना है, 57, 295, 1088, 3570। तो चारों ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो 1088 में आखिरी के दो टर्म है 88, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार से डिविजिबल है, जबकि बाकी सभी चार से डिविजिबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां नंबर बात करते हैं, 520 से 95 कैसे बनाया? तो 95 होता है 19 × 5, यानी कि ऊपर वाले से 5 उठा लिया, नीचे वाले से एक कम करके 19 उठा लिया। इसी तरीके से 145 होता है 29 × 5, तो नीचे वाले से एक कम करके 29 ले लिया, जबकि ऊपर वाले से डायरेक्टली आपने 5 ले लिया, मतलब ऊपर जो कुछ भी हो लेना आपको 5 ही है, और बीच वाले से एक कम करना है। 10 से एक कम करेंगे 9 आएगा, 9 × 5 = 45, ऑप्शन सी। अगर ब्रश को इस तरीके से लिखा जाता है तो सिटी को किस तरीके से लिखेंगे? बी से बी एज इट इज उतार लिया, तो सी से सी एज इट इज उतार लेंगे। ये आर, आर मतलब 18, ओ मतलब है 15, -3 कर दिया। ये आई 9 होता है, -3 करेंगे 6 आएगा, जिसका मतलब एफ होता है, तो शुरुआत होनी है सी एफ से। उसके बाद है टी, तो यहाँ पे यू है जिसका मतलब 21 है, यहाँ पे भी यू है तो इसका मतलब नो चेंज, तो ये जो टी है इसमें भी नो चेंज कर देंगे, तो सी एफ टी आपको मिल गया। उसके बाद ये एस है और ये पी है, एस मतलब 19, पी मतलब 16, तो -3 फिर कर दिया। ये वाई है ना, वाई मतलब 25, 3 कम कर देंगे तो 22 मतलब वी, तो सी एफ टी वी, ऑप्शन नंबर बी। राहुल को इस तरीके से लिखा जाता है तो अनमोल को किस तरीके से लिखेंगे? आर से एस प्लस 1, ए से बी प्लस 1, एच से आई प्लस 1, यू से वी, एल से एम, दोनों प्लस 1, तो आपको लगातार प्लस 1 करना है। ए से प्लस 1 बी, एन से प्लस 1 ओ, एम से प्लस 1 एन, ओ से प्लस 1 पी, एल से प्लस 1 एम, बी ओ एन पी एम, बी ओ एन पी एम, ऑप्शन नंबर बी। तमिलनाडु का कोड ये है, तो डालमिया का कोड क्या होगा? ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट कोडिंग का, जो जिसके सामने है वही उसका आंसर है। डी के सामने क्या है? 5, तो हमारा आंसर डी की प्लेस पे 5। ए मतलब 8, एल टी ए एम आई एल, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 8 4। उसके बाद एम टी ए एम 1 2 3, तो ये 7। 58 47, 58 47 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बाकी ये कहीं नहीं है। अ मैकेनिकल वॉच इज करेंटली शोइंग 7:40 एंड 6, मतलब 7:40 और 6 सेकेंड
टाइम उसमें दिखाया जा रहा है। सपोज इट लूजेस 4 सेकेंड, मतलब ये 4 सेकेंड पीछे हो जाती है हर घंटे में, तो एक घंटे में 4 सेकेंड पीछे होती है, देन वॉट टाइम विल दैट वॉच शो आफ्टर एग्जैक्टली 6.5 आवर्स। तो अभी क्या हो रहा है, 7:46, हमें कितना आगे करना है, 6:30 और 0, ये 70, ये 6, ये 13, यहाँ पे 70 को लिख सकते हैं 60+10, तो यहाँ पे 60 नहीं आना चाहिए, उधर हम 14 दे देंगे, यहाँ पे 10 बचा देंगे, तो 14:10.06 होने चाहिए थे, लेकिन ये पीछे चली जा रही है हर घंटे के हिसाब से 4 सेकेंड। तो हमें कितने घंटे आगे जाना पड़ा, 6 घंटे, तो 1 घंटे के 4 सेकेंड, तो 6 घंटे के 6 चौक 24 सेकेंड पीछे ये चली गई, लेकिन 6 घंटे के अलावा आधे घंटे और, तो 1 घंटे में 4 सेकेंड, तो आधे घंटे में 2 सेकेंड, तो कुल मिला के अभी जो भी टाइम हमने निकाला उससे 26 घंटे पीछे जाइए, 6 घंटे पीछे जाएंगे तो 14:10 हो रहे होंगे, और 20 सेकेंड और जाएंगे, सॉरी इससे पहले हम 6 सेकेंड गए थे, तो 20 सेकेंड और जाएंगे तो 14:09.40 हो रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए। अ मशीन विच कट्स आर इबन इन अ पीस ऑफ 10 मीटर, मतलब एक कट मारती है तो जो पीसेस निकल के आते हैं वो 10 मीटर का एक पीस होता है, और एक कट मारने के लिए 6 सेकेंड लगते हैं, तो एक कट मारने के बाद यानी 6 सेकेंड खर्च करने के बाद 10 मीटर तैयार हो जाता है, 6 सेकेंड में 10 मीटर तैयार होता है, तो 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर कितने सेकेंड में तैयार होंगे, 3000 × 6/30, ये हो जाएगा 1800, लेकिन इसको आप टिक नहीं करेंगे, पता है क्यों, मान लो ये जो पेपर है इस पे मैंने एक कट लगाया तो कितने पीसेस तैयार हुए, तो 2 पीस तैयार करने के लिए एक कट लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे आप जितने भी पीसेस तैयार करेंगे उससे एक कट कम लगाएंगे, और एक कट अगर आप कम लगाएंगे तो कितने सेकंड बचा लेंगे, जितना समय एक कट मारने में लगता है ऑब्वियस सी बात है उतना समय बचाएंगे, तो यानी 6 सेकंड आप बचा लेंगे, 1800 सेकंड का समय लगता लेकिन एक कट कम मारने की वजह से 6 सेकंड आपके बच गए, 1794 सेकंड यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। पॉइंटिंग टू अ फोटो विनोद सेड, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए विनोद का कहना है, दिस इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर, जो मेरी पत्नी है उनकी माता जी की इकलौती बेटी, तो यानी कि वो घूम फिर के खुद अपनी पत्नी की बात कर रहा है, और जिस डॉटर की वो बात कर रहा है वो उसकी पत्नी की बेटी है, यानी खुद उसकी बेटी है, ये है सिंपल सी चीज़ यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा है कि विनोद उस पिक्चर वाली लड़की का कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका फादर है, बिकॉज वो अपनी खुद की बेटी की बात कर रहा था, ऑप्शन बी। अजय एंड विजय आर ब्रदर्स, तो ये अजय और ये विजय, ये दोनों आपस में भाई हैं। राम इज विजय फादर, तो राम अगर विजय का पिता है तो अजय का भी होगा बिकॉज दोनों भाई हैं, तो इन दोनों का पिता कौन हो गया, राम। कमला इज अ सिस्टर ऑफ राम, यहाँ पे जो रमा टाइप का दिख रहा है वो कोई महिला रमा नहीं है, इसी राम की बात हो रही है, तो ये जो राम है इसकी सिस्टर कौन है, कमला है। प्रेमा इज राम्स नीस, और यहाँ पे नीस का मतलब भांजी है, तो किसी की भांजी कौन होती है, उसकी बहन की बेटी, अगर आप राम के हिसाब से बात करें तो उसकी बहन का नाम कमला है, और कमला की बेटी कौन हो जाएगी, प्रेमा हो जाएगी, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। शुभा इज कमलास ग्रैंड डॉटर, तो कमला के हिसाब से अगर आप देखें तो उसकी ग्रैंड डॉटर कौन होगी, और ग्रैंड डॉटर के 2 मीनिंग निकलते हैं, एक नातिन और एक पोती, पोती का मतलब लड़के की बेटी, नातिन का मतलब बेटी की बेटी, तो यहाँ पे हिंदी में नातिन लिखा हुआ है मतलब वो अपनी बेटी की बेटी के बारे में बात कर रही है, कमला के हिसाब से अगर आप देखें तो उसकी बेटी प्रेमा है, और इस प्रेमा की बेटी कौन हो जाएगी, शुभा। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आपको बताना है हाउ इज अजय रिलेटेड टू शुभा, तो ये अजय है और ये शुभा है, अगर आप अजय और विजय के हिसाब से देखें तो अजय विजय और प्रेमा दोनों सेम स्केल पे लाई कर रहे हैं, सेम जनरेशन को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी माता पिता अलग अलग हैं, तो ये लोग जिनके माता पिता अलग होते हैं और वो सेम जनरेशन से बिलोंग करते हैं उनको क्या कहा जाता है, कजिन्स बोला जाता है, तो अजय के हिसाब से अगर आप बात करें तो शुभा कौन है, कजिन की बेटी।
तो एक प्रकार से वो सुबह के मामा लगे, ऑप्शन नंबर सी मटेरनल अंकल। सपोज ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो ए जो है वो बी का भाई है। अब बी कौन है फिलहाल नहीं पता, बहन है कि भाई ये जानकारी हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। सी इज़ द फादर ऑफ ए, अगर ए और बी आपस में भाई बहन है तो जो ए का फादर है वही बी का भी होगा, तो इन दोनों का फादर कौन हो गया, सी। डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, अभी ई की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो इसको साइड में रखते हैं। ई इज़ द डॉटर ऑफ बी, ये ई जो कि बी की बेटी है। डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, तो डी इसका भाई हो गया। हु इज़ डी अंकल, डी के हिसाब से अगर आप बात करें तो डी की माता जी या पिताजी तो बी हैं, जिनकी जेंडर अभी अननोन है, लेकिन बी का भाई ए है। तो अगर आप अंकल के हिसाब से देखें तो डी का अंकल ए है, क्योंकि ये बात कंफर्म है कि ए एक मेल पर्सन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो गया, बिकॉज ए वहीं पर ही दिया है। अ पर्सन्स फेस इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, इस पॉइंट को अगर आप रेफरेंस मान लें तो इस तरफ वो बंदा देख रहा है। ही रोटेट्स 45 डिग्री क्लॉक वाइज, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो क्लॉक वाइज के आगे पॉजिटिव साइन लगा दीजिए। तो क्लॉक वाइज 45, आफ्टर दैट ही रोटेट्स 90 डिग्री इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, मतलब एंटी क्लॉक वाइज कितना चला, 90। तो आप करते हैं क्लॉक माइनस एंटी क्लॉक, यानी 45 माइनस 90, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, -45। अब ये माइनस का मतलब ये है कि रेफरेंस पॉइंट से, मतलब जहाँ पे भी वो देख रहा है वहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए। मान लीजिए प्लस में आंसर आता तो क्लॉकवाइज हम लोग चल देते, अभी किस में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, वो भी 45। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस तरफ, और 45 मतलब ये, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिस हाउस, मान लो इस पॉइंट से वो चलना चालू किया, ये डिस्टेंस हो गया 15 किलोमीटर। ही टर्न्ड लेफ्ट, मेरे कर्जर की डायरेक्शन में अगर आप जाते हुए खुद को अज्यूम करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका लेफ्ट नीचे की तरफ पड़ता है, तो यहाँ से कितना जाना है, 20 किलोमीटर, उसको हमने भेज दिया 20 किलोमीटर। देन ही टर्न्ड ईस्ट, यहाँ से ईस्ट मतलब ऐसे राइट साइड में, तो ईस्ट तरफ गया और कितना चला, 25 किलोमीटर। इसको मैं यहीं पर रोक देता हूँ, बिकॉज ये लाइन पैरेलल है, ये 25 तो ये भी 25। एंड फाइनली टर्न्ड लेफ्ट, आप ऐसे जा रहे हैं, लेफ्ट मारेंगे तो कहाँ मारेंगे, ऊपर की तरफ, कितना जाएंगे, ऐसे जाएंगे आप 20 किलोमीटर, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये 20 तो ये भी 20। वैसे यहाँ पे एक मिस्टेक हो रखी है, शुरुआती डिस्टेंस हमारा 15 था, तो जब हम लोग इसको 25 चला रहे थे ना, तो इससे थोड़ा आगे लेके जाना पड़ेगा, अब वो जाके 20 चलेगा, यहाँ पे था यहाँ पे पहुँच गया, तो ये डिस्टेंस 25 है, ये 15 है, तो बाकी का ये कांटा डिस्टेंस 10 होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस एक्सप्रेशन को आपको निकालना है और साइन आपको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उठाने हैं, तो 120, 6, 10, 10 और 5, 120 और 6 के बीच में प्लस का है जिसका मतलब है डिवीज़न, उसके बाद है इनटू जिसका मतलब है लेस करना, उसके बाद है माइनस, लेकिन इस ब्रैकेट को एक बार बना लेते हैं ऐसे, उसके बाद है माइनस जिसका मतलब है इनटू करना, और सबसे लास्ट में है डिवीज़न जिसका मतलब है ऐड करना। तो बस कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 6 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार में जाएगा, 20 में से 10 गया 10, 10 10 100, 5 ऐड करेंगे तो 105, ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी आपको लगभग सेम काम करना है, 6 12 3 8 और 3। सबसे पहले है डिवीज़न जिसका मतलब है प्लस, तो ये प्लस, उसके बाद है सी के अंदर गोला, मतलब सी के बाहर गोला जिसका मतलब है डिवाइड, उसके बाद है एट द रेट जिसका मतलब है इनटू, और सबसे बाद में है डॉलर जिसका मतलब है लेस करना। तो ये 4 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 32 6 38 में 3 गया 35, ऑप्शन नंबर ए। इन अ ग्रुप 7 पीपल कैन स्पीक इंग्लिश, 15 हिंदी एंड 6 पंजाबी, तो 3 सर्कल बनाने पड़ेंगे, एक ये हिंदी के लिए, फिर ये इंग्लिश के लिए, और सबसे लास्ट में ये वाला सर्कल हम बनाएंगे पंजाबी के लिए। जहाँ तक इंग्लिश वालों का सवाल है तो वो 7 हैं, तो
तो सात को मैं बाहर लिखता हूँ क्योंकि उनमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बाकी लैंग्वेज भी बोलते हों। इसी तरीके से हिंदी के बाहर हम क्या लिखेंगे 15, इसी तरीके से पंजाब के बाहर हम क्या लिखेंगे 6, क्योंकि ये जो 15 और 6 हैं इनमें बाकी लैंग्वेज वाले भी बंदे हो सकते हैं। इन दिस ग्रुप ओनली वन पर्सन कैन स्पीक ऑल दी थ्री लैंग्वेजेस। तो ऑल थ्री लैंग्वेजेस का मतलब ये है कि तीनों भाषाएं बोलने वाला, इसको हम कहाँ पे रखेंगे? इसको हम रखेंगे तीनों सर्कल के कॉमन एरिया में, जो कि ये है। यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं? सिर्फ एक बंदा यहाँ पे आ सकता है। एंड टू पीपल कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेजेस, मतलब कोई भी दो भाषा बोल सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे फॉलो हो सकता है, हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी पंजाबी, या फिर हिंदी पंजाबी, सब में हमें दो दो भरना है। तो ऐसे रीजन जहाँ पे सिर्फ दो सर्कल का कॉमन पार्ट हो, जैसे ये और ये, इनमें हमें दो दो भर देना है बस, ये दो दो और ये दो। इंग्लिश वाले की बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या भरेंगे? टोटल हमारे पास सात हैं, जिसमें से दो दो चार और एक पाँच आ चुके हैं, तो यहाँ पे दो आएंगे, सिंपल है। इसी तरीके से हिंदी में टोटल 15 है, जिसमें से दो एक तीन दो पाँच आ चुके हैं, तो बाकी के 10 आ जाएंगे। इसी तरीके से इसमें क्या लिखा जाएगा? टोटल 6 हैं, दो दो चार एक पाँच आ चुके हैं, यहाँ पे एक आ जाएगा। अगर आप 15, 7, 22 और 6, 28 इन सभी लोगों को काउंट कर दें, तो आप तो बोलेंगे भैया 28 लोग हैं इसमें से। नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि एक बंदा ऐसा है जो सब कुछ बोलता है, तो उस बंदे को 3 बार तो काउंट करेंगे नहीं। तो एक हमें कम कर देना पड़ेगा, 27 बच गए। अब इन 27 में भी कुछ लोग दो जगह पे जा रहे हैं, तो दो जगह हमारे पास कितनी थी जल्दी से बताइए। एक ये थी जिस पे मैंने अभी पेन चलाया, एक ये थी जिस पे अभी चलाया, एक ये थी। तो ये गाड़ी गाड़ी जगह कितनी है? तीन है। तो तीन और कम करिए, 27 में 3 गया 24, ऑप्शन नंबर बी। इतने लोग हैं कुल मिला के। फाइव स्टूडेंट्स ए बी सी डी एंड ई अपियर्ड इन एन एग्जामिनेशन, पांच लोगों ने एक परीक्षा दी। तो ये रहे पांचों लोग, ए बी सी डी और ई, और इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई हैं। तो सबसे पहले आप ये ढूंढने की कोशिश करेंगे एग्जैक्ट मार्क्स इन सब में से हमें किसके पता हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो बी गॉट अ टोटल ऑफ 40, तो बी को 40 नंबर दे दीजिए। अब आइए सबसे पहले, सी गेट्स 5 मार्क्स लेस देन बी, तो बी के पास 40 नंबर हैं, सी को 5 कम मिले तो इसका मतलब 35 मिले होंगे। डी गॉट 10 मार्क्स मोर देन बी, अगर बी को 40 तो डी को 50 मिले होंगे, तभी 10 ज़्यादा मिले होंगे। एंड 20 मार्क्स लेस देन ए, डी को 50 नंबर लाने के बाद भी ये पता चलता है कि वो 20 नंबर पीछे चल रहा है ए से, तो इसका मतलब ए उससे 20 नंबर ज़्यादा यानी 70 नंबर लाया होगा। अब रुकिए, पूछा क्या है? हाउ मैनी मार्क्स डिड ए गेट, तो वो 70 लाया है, ऑप्शन डी। अ फादर कॉल्ड सम बॉयज एंड गर्ल्स ऑन द बर्थडे ऑफ हिज सन, उसके बेटे का बर्थडे होता है और वो कुछ उसके दोस्तों को बुला लेता है, जिसमें से कुछ लड़के और कुछ लड़कियां होती हैं। द नंबर ऑफ बॉयज वॉज 2 लेस देन दी गर्ल्स, तो ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि लड़के कम हैं, तो इसका मतलब ये हुआ अगर लड़के एक्स हैं तो लड़कियां इनसे 2 ज़्यादा होंगी, x+2 होंगी। द फादर गिफ्टेड ₹10 टू ऑल दी बॉयज, मतलब हर एक लड़के को 10 रुपये दिए एज अ गिफ्ट, तो हर एक लड़के को 10 दिए, हर एक लड़की को 20 दिए। तो कुल मिला के उसने लड़कों पे कितना पैसा खर्च किया, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो हर एक लड़के को कितना दे रहे हैं और कितने लड़के इनके पास हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो ये 10 x 10 x और ये 20 x+2, तो इतने पैसे उनकी जेब से लगे। सवाल के हिसाब से कितने लगे? 280। तो जिस ब्रैकेट को मैं बना रहा हूँ, इस ब्रैकेट में इक्वेशन को सॉल्व करिए, आप आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं फिर। 10x+20x+40 = 280। 40 उधर जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव, तो 240 बचेगा। 30x, 0 से 0 कटा, 3 8 जा, x = 8। हमने बॉयज़ कितने माने थे? x माने थे। आंसर क्या आ गया? 8, ऑप्शन ए।